क्लास हो गए वो मेरे। ठीक मैं टीशर्ट लोग है हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे एंड होपफुली तुम सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। एंड काफ़ी लोगों के मेरे को पर्सनली डीएम्स आए हैं कि वी आर गेटिंग अराउंड 110+। ठीक है, तो थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग मार्क्स, क्योंकि ऑलमोस्ट तुमने एक चीज़ इस बार भी नोटिस करी है कि जो पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया है, जनरली ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 में 2, एवरीथिंग वाज वर्किंग जस्ट दैट की। एंड ऊपर से जो इजी वाला पोर्शन था, पॉलिटी इजी आ गया। तो सोचो कि जिसने भी आप लोगों में से थोड़ा रिस्क वो लेके अटेम्प्ट किया होगा पेपर, होपफुली दे आर मतलब नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि बिल्कुल 82 और 85 वैसे वाला भी नहीं कि 70 से कम में नहीं है। एंड आई हैव रिसीव्ड ए लॉट ऑफ मैसेजेस जिसमें लोग बोल रहे हैं कि 115 जा रहा है, 110 भी जा रहा है उनका। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि एटलीस्ट पीपल आर यूजिंग ऑल दीज ट्रिक्स। एंड ऐसा है ना कि जिन लोगों ने भी, अपन ने जो लास्ट सेशन लिया था 15 को, आई हैव डिस्कस्ड कि इस बार पेपर मिक्स में आ सकता है। मिक्स का मतलब कि 1 2 3 4 वाला ऑप्शन भी आ सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मतलब नहीं आया ना, और हमने डिस्कस भी किया था कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे और पॉलिसीज भी वही आई है, मत उस पे, हेल्थ पे, विमेन की हेल्थ पे पिछली बार भी आई थी, लेबर सोशल जस्टिस वाली इस बार भी आई है, पॉलिटी ऑलमोस्ट, पार्लियामेंट वगैरह इन सब से ही आया है, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी पे। ठीक है, तो अगर तुमने वही बेसिक सी करी है चीज़ें, और कृष्ण देव राय लगाया है, कॉन्गो बेसिन लगाया है, जो बेसिक PYQs होता है ना, ऑल डी लगाया है, तो आई थिंक मतलब एक लास्ट के प्रीलिम्स के कंपैरिजन में इस बार तुम्हारा पीटी अच्छा गया होगा। आई एम होपिंग दैट, क्योंकि पेपर देखो सेम पेपर आया है, कुछ डिफरेंट नहीं आया। एक बारी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि तुम्हें फर्दर क्या करना है, मतलब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, मतलब तीन सिचुएशन होगी, फिर मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा। एक बारी मैं बेसिक डिस्कस कर दूँ कि अपने को करना क्या है इसके आगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन बन रही है, उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, तीन लोगों का बनेगा। एक है जिनका सीसेट कंफर्टेबली निकल रहा है, मतलब 80 के प्लस में है, क्योंकि इस बार सीसेट में अगर, हाँ वन मोर थिंग, इफ यू हैव सीन माय कॉम्प्रिहेंशन वीडियो, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे एक या दो या मैक्सिमम तीन गलत होंगे, बिकॉज इस बार पैसेज बहुत घोस्ट आए थे, मतलब थोड़े ट्रिकी थे। बट ये है ना कि अगर तुमने मतलब वही जो अपनी वाली ट्रिक्स यूज करी थी, और एक चीज हमने मैंने और भी डिस्कस करी थी कि कहीं कहीं पैसेज पढ़ लेना, कहीं कहीं पैसेज की पढ़ने की नीड भी थी, और पैसेज छोटा है,
इस बार पैसेजेस सारे छोटे थे। एंड एक चीज हम लोग आई थिंक बहुत पहले से भी वी वर डिस्कसिंग की, आप लोग अगर छोटे पैसेज हो तो थोड़ा एक बार एक ग्लेंस डाल दो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, रिजिड अप्रोच नहीं, ठीक है। एक चीज मैंने लास्ट पेरे जिस दिन लास्ट दिन अपने सेशन लिया था, आई हैव डिस्कस्ड वन थिंग कि इस बार मैं वो कर रहा हूँ कि 27 का कॉम्प्रिहेंशन और 20 मैथ्स का, ये मेरी अप्रोच थी इस बार। एंड आई हैव टोल्ड यू कि इतना मेरे को करके आना है, बट व्हेन आई सॉ द पेपर वन थिंग, मतलब वैसा होता है ना कि पेपर देखते इंट्यूशन आ गया कि ये पेपर 2022 वाला जैसा आया या 2020 वाले जैसा आया, एग्जैक्टली उसी पेपर पे था। तो वहीं पे आई थॉट कि नहीं 60+ जाना आपने वो, एंड अराउंड मैंने 63 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से अराउंड 52-53 सही है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि तुमने अगर थोड़ा सा भी अडेप्टेबल होके एग्जाम में किया है तो डेफिनेटली यू विल बी इन। एक केस, फर्स्ट केस क्या बन रहा है, ये वाला कि जिसमें तुम्हारा सीसेट निकल रहा है 80+ में और जीएस निकल रहा है 90+ में, इन इनके लिए क्या करना है? देखो अल्टीमेटली योर मेंस इज एवरीथिंग, पीटी से कुछ नहीं होगा। पीटी इज लाइक एक, मतलब शॉर्ट टर्म थोड़ा प्लेजर दे देगा कि हाँ चलो पीटी हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मेंस पे काम करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग प्लीज, देखो कल का दिन हो गया, आज का दिन हो जाएगा, कल का दिन और, एक्सट्रीम कंडीशन में 1-2 दिन और ले लो, 21-22 से प्लीज स्टार्ट, मतलब 21st या 22nd से स्टार्ट कर दो। अगर बहुत कोई बड़ा मेजर इशू है, कोई फैमिली का इशू है या फिर कुछ और हो गया, तो फिर यू कैन टेक योर टाइम। बट देखो क्या रेस्ट करोगे, मेरे को आप एक चीज बताओ कि मान लो यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है, ये कंडीशन है आपकी, ये फर्स्ट, मतलब मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। अगर तुम्हारी ये कंडीशन है तो मेरे को बताओ कि ठीक है 2 दिन घूम लिए, मीन्स के बाद घूम लेना, मिल के आगे घर वालों से 1-2 दिन मिल लो, बहुत है। मतलब गेटिंग माई पॉइंट, यू हैव टू बी रूटलेस, इमोशनल लेस, मतलब मेंस में तो ऐसा है ना कि बहुत पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये है ना मेंस इज प्रिडिक्टेबल, पॉइंट इज दैट ना कि अगली बार क्या पता पीटी कुछ और आ जाए, वी डोंट नो, अगली बार सीसेट टफ आ जाए भाई, 23 वाले जैसा सीसेट आ जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट द पीटी, ठीक है। तुम क्या करो 21st और 22nd से लास्ट, ये एक तरीके से वो है कट ऑफ डेट से, उसके बाद में तुम्हें एट एनी कॉस्ट स्टार्ट करना है। जब तक रिजल्ट आए तब तक तुम एक फुल मोशन में आ जाओ, मतलब जो इंजन है ना तुम्हारा, वो मेंटल इंजन, वो तुम्हारा गर्म हो जाए बिल्कुल कि हाँ अब भले मैं, क्योंकि देखो पीटी में एक्चुअली सीरियस बता रहा हूँ मैं, इस बार हमारे भी पीटी की, मतलब ऐसा हुआ ना मेरा, पता नहीं मैं एग्जॉस्ट हो गया या फिर वैसे था कि दिन के 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, गए लाइब्रेरी, पता नहीं किसी का फोन आ गया, बाहर आ गए, कुछ ये हो गया, वो हो गया, हार्डली 2-3 घंटे, 2-3 घंटे इस बार हुआ है पढ़ाई। तो अब मैं भी उस नोट पे जा रहा हूँ कि यार एक बारी, मतलब उस जो एक वो होता है ना कि मेंटल सेटअप होता है, उसको मोशन में लेके आओ, वो अभी आ सकता है। नहीं तो क्या होगा, मान लो रिजल्ट जैसे लास्ट ईयर आई थिंक 14-15 दिन बाद रिजल्ट आया था, तो 14-15 मान लो कि 30 तक रिजल्ट आएगा, ठीक है, 30 के बाद में तुम्हें मोशन आने में 7-8 दिन लग जाएंगे, 7-8 दिन, मतलब टेस्ट सीरीज कौन सा देना है, ऑप्शनल का क्या करना है, कंसोलिडेशन कैसे करना है, डाउन टू अर्थ पढ़ना नहीं पढ़ना, योजना क्या क्या करना है, ये सारी चीजें, गेटिंग माई पॉइंट। तो तुम्हें इन सब चीजों में आने के लिए, मतलब वैसा होगा ना कि 7-8 दिन और खर्च हो जाएंगे, मान लो कि तुम्हारा क्या होगा 7-8 तारीख तक हो जाएगा, एंड यू आर स्टिल लाइक, यू विल स्टिल लाइक कि यार अभी भी कंफ्यूजन, पता नहीं कैसे स्टार्ट करूं क्या करूं। और मान के चलो कि अगर तुमने 10 तारीख तक वेस्ट कर दिया ना टाइम, तो तुम्हारा 1 महीना मान लो बिगनिंग वाला वेस्ट हो गया है, योर फर्स्ट मंथ विल डिसाइड योर सेकेंड एंड थर्ड मंथ, एंड योर फर्स्ट मंथ विल डेफिनेटली डिसाइड योर मेन्स, मतलब जो 800 वाला मार्क है ना, जिन लोगों का भी 800 मार्क्स आए हैं जीएस में या ला रहे हैं, वो फर्स्ट महीने से ही लग रहे हैं, एंड लिटरली लग रहे हैं, तभी जाके उनका बन रहा है कि मतलब वो एक कंफर्टेबल मार्जिन में है कि आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही सिंपल चीज है, 1-2 दिन का और ले लो, 21-22 तक ले लो, लेकिन उसके बाद प्लीज स्टार्ट कर लो। करना कैसे स्टार्ट वो सारा मैं डिस्कस करूंगा कि GS1 का कैसे करना है, GS2 का कैसे करना है, GS3 का कैसे करना है, GS4 का कैसे करना है, क्योंकि देखो जनरल पैटर्न क्या है, GS2, GS4, यहाँ पे तुम्हें 130+ करने हैं, यहाँ पे 130+ करने हैं, ये स्कोर तुम्हारा 260 होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा भी इस बार टारगेट था, बट आई वॉज एबल टू स्कोर 240, ठीक है, तो थोड़ा कम रहा है, तो इस बार और इम्प्रूव करेंगे, और तो क्या है, बट जो टारगेट है अपना वो 260+ रहना चाहिए इन दोनों पेपर्स में, एटलीस्ट 95 के ±2 या जो भी जिस टाइप का पेपर हो, क्योंकि देखो इस बार GS1 में जो मार्किंग हुई है, लास्ट ईयर जिन लोगों के 110 मार्क्स थे उनके इस बार 85 या 90 मार्क्स, ठीक है, तो
ये जो दोनों पेपर्स है ना, ये यूपीएससी की मार्किंग पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे तुम अगर 95 के आसपास हो ना, मान लो 95 और 90 आ गए, ठीक है, तो ये हो गए 15 मार्क्स, मतलब कम 200 में से 180 185, और इधर हो गए तुम्हारे 260, तो ये सोचो कि तुम्हारे 445 नंबर हो गए। 445 अगर तुम मेंस में ले आओगे ना जीएस में, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई रोक पाएगा फिर मेंस, मतलब फाइनल कट ऑफ के लिए। तो ये काम करना कैसे है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा अप्रोच यही था कि इन दोनों पेपर्स में 260 तक क्रॉस करना है, एटलीस्ट 250 करना है, मतलब एक एक्सटेंड तक आई वॉज एबल टू सक्सीड की एटलीस्ट 240 तक मैं गया। इस बार और एफर्ट करेंगे, मतलब उनमें, और GS2 और GS4 ही है जहां पर टॉपर्स का देखना। जैसे फर्स्ट रैंक का देखो आप, 144 एंड 130 इसमें कुछ मार्क्स है उस बंदे के, 274, मतलब 270 प्लस ही है मार्क्स। सोचो मतलब जनता के 110 या 110 आ रहे हैं, 220, और यहाँ पे वो बंदा अराउंड 50+ का मार्जिन लेके चल रहा है जो फर्स्ट रैंकर है। तो ये काम यहाँ पे करना है GS2 और GS4 में, GS1 और GS3 की भी अलग से डील करेंगे। ये सब कैसे काम करना है आई विल डिस्कस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक सेकेंड केस आता है, सेकेंड केस क्या है कि भाई हम तो बिल्कुल आउट है, जैसे सी सेट में मान लो कि किसी का 60 बन रहा होगा, एंड किसी का मान लो ये बन रहा होगा जीएस में बन रहा होगा 70, वैसा होगा, मतलब टोटल उनको श्योरिटी है, दे आर श्योर अबाउट कि भाई हम लोग बाहर हो गए। देखो टेंशन लेने से, मतलब वो सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अगर चिंतन वो चिंता करोगे तो कुछ नहीं होगा, चिंतन करो। चिंतन क्या है, ठीक है 15-20 दिन घूम लो अपना आराम से, फैमिली से मिल लो, सब कुछ कर लो। क्योंकि देखो मैंने भी इंटरव्यू देने के बाद में मेरा पीटी नहीं हुआ है, तो आई हैव फेस दैट कंडीशन कि यार कैसा बुरा लगता है, लगेगा दिस एग्जाम इज टोटली अबाउट, मतलब एक गैम्बल भी है, और हर मोमेंट पे तुम्हें एक थोट, मतलब एक मीठी लॉलीपॉप मिल जाएगी कि यार वैसे होता है ना कि वापस से देना एग्जाम तो तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। और दूसरा एक चीज और है कि तुम 15-20 दिन टाइम ले लो, इसका मैं एक अलग से मतलब वो चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या रियलाइज हुई, जैसे मेरा 22 वाला पीटी नहीं हुआ, तो व्हाट आई डिड वाज कि उसके बाद मैंने 5-6 महीने ऐसे वेस्ट कर दिए लिटरली, मतलब हार्डली मैं कभी 3-4 दिन लाइब्रेरी गया हूँ, इधर उधर घूम रहे हैं, घूमने चले गए हैं, बहुत जगह मैं घूम के आया हूँ, मतलब उसमें ये हुआ ना, उसका फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। पिछले मेंस में प्री के बाद मैंने सारे नोट्स बनाए, ठीक है, तो उससे ये हुआ ना कि 20-30 नंबर आराम से तुम्हारे कम हो जाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो ये तो बहुत ज्यादा इश्यू है, 20-30 नंबर बहुत बड़ी चीज है। तो जो इस कंडीशन में लोग है ना, आप आराम से 15-20 दिन लो, लेकिन देखो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस दिस एग्जाम। अगर नहीं देना है, अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए तो फिर तो छोड़ो, देर इज नो इश्यू, लेकिन अगर देना है फिर क्या करना है वो चीज मैं एक सेपरेटली लेक्चर बनाऊंगा, मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा अभी, कि अगर तुम्हारा पीटी नहीं हो रहा तो क्या करना है। बिकॉज अल्टीमेटली देखो 1 साल कल निकल जाएगा, ये मैं श्योर बता के चल रहा हूँ कि 3-4 महीने तुम पढ़ोगे नहीं, वो आ जाएगा सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तब तक नवंबर दिसंबर आ गया, सर्दी वर्दी आ गई, सर्दी के फन लिए, तब तक तो आ गया ये अपना जनवरी फरवरी। एक्चुअली जो रियलिटी है, आई एम नॉट, मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि आइडियलिज्म वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जनवरी फरवरी आएगा, प्री का बटन आ जाएगा, अरे यार प्री आ गया, जब तुम्हारा, तुम क्या करोगे फिर, फैक्चुअल अप्रोच अपनाओगे प्री में, और प्री में दे आर डिमांडिंग योर अंडरस्टैंडिंग, लिटरली दे आर डिमांडिंग योर अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तुम निकाल लोगे। अब कॉन्गो बेसिन वाले क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे दे रिक्वायर योर अंडरस्टैंडिंग, वो काम तुम 2-3 महीने में नहीं कर सकते हो, थोड़ा पहले से बैकअप बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं, ट्रिक्स टेक्निक सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टिल इस वाले जो सेकंड वाले ऑप्शन में जो फेज में लोग हैं उनके लिए क्या करना है, ये मैं एक सेपरेटली वीडियो डालूंगा। बट फॉर द टाइम बींग आप अपना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, घूमो घामो, घर पे जाओ, आराम से रहो, थोड़ा चिल करो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली योर लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब वो हैप्पीनेस वाला एग्जाम में तुम क्यों जा रहे हो यूपीएससी में, बिकॉज थोड़ा एक मानो नहीं मानो, ये जो देखो आई एम टॉकिंग मतलब प्रैक्टिकल थिंग्स, कि ये अगर तुम सर्विस में हो ना, मान लो AS में हो या PS में हो, ऑब्वियसली दिस विल गिव यू ए सेटिस्फेक्शन, और अल्टीमेटली अगर सेटिस्फेक्शन दोगे तो तुम खुश रहोगे। एक नॉर्मल धंधा करोगे डेली, इधर बिजनेस बिजनेस करोगे तो हर दिन की हर्डल से परेशान हो जाओगे भाई, वहां पे अगर ASPS में कहीं सर्विस में हो अच्छी जगह तो खुश रहोगे, वो तुम पे डिपेंड है कि तुम फिर वहां पे क्या करते हो, अगर कुछ गंद मचाते हो तो ऑब्वियसली फिर वो कर्मा यू नो कि वापस घूम के आता है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। बट माई पॉइंट इज दैट ना, कि जो लोग बोलते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, इन सब जो इंडियन मेंटेलिटी है ना उसमें मत घुसो आप, कि पैसा जरूरी नहीं है, खुशी जरूरी है, भाई पैसा आएगा, अब ये तुम्हारे पे डिपेंड है कि पैसा आने के बाद तुम उसको यूज कैसे करते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसे को आप बदनाम मत करो कि पैसा गलत है, वैसे का वैसे सेम थिंग है कि
पूरे प्रोसेस पूरी लाइफ में खुश रहना शुड बी योर मोटिव, कि यार खुश रहो, होगा नहीं होगा सब चंगा है, बट मेहनत करूंगा, बट डबल एफर्ट करूंगा। दिस शुड बी योर मेंटल एफर्ट, कि मेरे को मेंटल, अब जैसे इस ईयर में मेरे को पूरा वो था कॉन्फिडेंस कि यार हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो एक थॉट मेरे को क्या आया, जिस दिन रिजल्ट देखा मैंने, आई वाज लाइक कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार अपन मतलब डेफिनेटली करना है। अगर मेरे को 2% एफर्ट में कमी भी हो गई ना, तो मैं इस बार 50% बढ़ा दूंगा। बट मतलब एक थॉट प्रोसेस होती है कि यार तुम्हें इस बार नहीं हुआ पीटी में, तो और एफर्ट करो। लेकिन ये है कि वो तुम्हारा काम एफर्ट ही करना है, तुम्हारा काम कर्मा करना है, उसके बाद में वही है कि फल तो मार्केट से ले आओगे, तो फल तो अपने आप मिल जाएगा। अगर तुमने कर्मा कर लिया तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर जो भी रिजल्ट वगैरह है। ठीक है, तो सेकेंड वाली फेज के लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा कि क्या करना है, एंड लिटरली प्लीज डू दैट। अगर तुमने कर लिया तो फिर तो अगले अटेम्प्ट में तुम्हें कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद में है जो लोग हैं कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब दे आर गेटिंग 82+, मतलब मान लो 80 से 90s के बीच में, ठीक है, कोचिंग के कीज के अकॉर्डिंग, या सीसेट में उनके 70 है या 69 है। यहाँ पे देखो दो कंडीशन क्या है, मान लो तुम्हारा हो जाता है, एंड आई एम 100% श्योर कि कट ऑफ रहेगी 80+ -2 मैक्सिमम, क्योंकि लिटरली पेपर टफ था। तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, 10-15 लोग हैं, मतलब जो वैसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते नहीं, अच्छे खासे पढ़ते लिखते हैं, मतलब दे आर गेटिंग गुड मार्क्स इन जीएस। अब क्या बन रहा है सिस्टम, कि जिनके जीएस में गुड मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 115 120 तक भी लोग गए, तो उनका जी सी सेट नहीं हुआ है, जिनका सी सेट हुआ है उनका जीएस नहीं हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों चीजें पता नहीं क्यों मेरे को, आई डोंट नो, मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों का जीएस में, 3-4 लोग हैं जिनके जीएस में 110+ आ रहे हैं, बट सी सेट में दे आर लाइक कि 50s में आ रहे हैं यार। एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसके सी सेट में 120 नंबर आ रहे हैं, बट इन जीएस इज गेटिंग 80। तो मेरा पॉइंट सब कुछ क्या है कि इस इसमें दो सिचुएशन बनेगी, जो कंफ्यूज है ना, दो क्या बनेगी, फर्स्ट क्या बनेगी, मान लो तुम्हारा हो गया, जैसे लास्ट ईयर सबने प्रिडिक्ट करी ना, कप्तान ने करी हो या फिर हार्डवर्किंग ह्यूमन ने करी हो और लोगों ने करी हो, दे ऑल वर अराउंड 85, 81 to 85 में, कट ऑफ कितना था 75, 6 नंबर कम गया है। गेटिंग माई पॉइंट, अब ये है ना कि लोग जिस दिन आए थे 110 बता रहे थे, फिर 100 पे आए, फिर लोग अब 95 पे आए, थोड़े थोड़े दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, देखना लोग 90 पे आएंगे और यूपीएससी फिर 85 पे आएगी। ये चीज ध्यान रखना, मतलब अगर तुम्हारे 80 के आसपास है ना, 85 के आसपास में कैटेगरी है, जैसे ST SC का है, तो 75 भी आ रहे हैं, तो प्लीज स्टार्ट कर लो। इसमें होगा क्या, मान लो तुम्हारा हो जाता फर्स्ट कंडीशन में, मान लो तुम्हारा हो गया, तो क्या होगा ना कि तुम फुली फ्लेज्ड मेंटली आओगे, मतलब तैयारी में 10 के बाद में, 10 कौन सी, 10 जुलाई के बाद में, क्योंकि रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन रिजल्ट के माहौल में चला जाएगा, फिर तुम स्टार्ट करोगे लाइब्रेरी, अच्छा टेस्ट सीरीज ये लगानी है, एथिक्स का ये करना है, जीएस का ये करना है, एक मोमेंटम सेट करने में तुम्हारी 10 जुलाई चली जाए। अब देखो 10 जुलाई, 10 अगस्त और 10 सेप्टेम्बर, पीछे वाले जो 10 दिन होते हैं ना, उसमें ज्यादा तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उसमें ओनली रिविजन रहता है, तो तुम्हारे पास इफेक्टिवली 2 महीने ही रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, टेस्ट सीरीज लिखने का, ये सब कुछ करने का। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, कि अभी से मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दो, 2-3 दिन गैप लेके 21-22 से स्टार्ट कर लो। अगर हो गया ना तुम्हारा, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई 30 के बाद एंजॉय कर लेना, मतलब जो भी तुम्हारे प्लान्स है, घूमना है, गामना है, घर पे जाना है, क्या करना है, 30 के बाद कर लो। भाई वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लो कि फर्स्ट कंडीशन है तुम्हारा हो जाता है, तो फिर तुम्हें इश्यू होगा। मान लो तुम्हारा नहीं होता है, दूसरा कंडीशन इसी में क्या है कि मान लो नहीं होता है, तो उसमें क्या है, फिर 28 के बाद घूमो आप आराम से, जो भी 28-30 के रिजल्ट आए, जो भी करना है करो। लेकिन अगर हो गया तो फिर तुम्हें इश्यू होगा, हो गया तो क्यों इश्यू होगा, फिर तुम उस मेंटल सेटअप में आने के लिए यू विल नीड टाइम, यू विल नीड एफर्ट, एंड एक एक्चुअली उस एक वही होता है ना कि इंजन को गर्म होने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, और प्री के टाइम में अलग इंजन होता है, मेंस के टाइम में यूनिट है डिफरेंट इंजन। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे अगर तुम 2G चल रहे हो तब भी ठीक है, मेंस में यूनिट एक 5G वाला इंस्टॉल करवाना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि मेंस में भी देखो मगब चीजें करनी पड़ेगी, हर चीज अंडरस्टैंडिंग पे नहीं चलेगी, एक अंडरस्टैंडिंग के बाद, एक मोमेंट के बाद में, अब तुम्हें पता है कि साइक्लोन क्या है, बट यू हैव टू गिव एग्जाम्पल, यू हैव टू गिव डेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मेंस में मगब करनी पड़ेगी। अब GS4 में एथिक्स की डेफिनेशंस वगैरह मगअप करनी पड़ेगी, लोगों की सेइंग्स वगैरह मगअप करनी पड़ेगी, ठीक है, कोट्स मगअप करने पड़ेंगे,
ये सारा कुछ काम मगप वाला है, तो यू नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन इन मेन्स, तो उसको गर्म करने के लिए टाइम लगेगा। मेरा सिंपल मतलब ये है कि जिनका भी 85 ± 2 है, जो कंफ्यूजन में होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो 80 ± 2 है, तो डेफिनेटली यू आर इन, प्रोवाइडेड दैट कि आपका सीसेट सही है। फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है तो डोंट वेस्ट योर ये 12-13 दिन, ऑलरेडी 20 20 दिन यूपीएससी ने कम कर लिए, पहले 26 को था ना 16 जून, 20 दिन ऑलरेडी कम हुए। उन 20 दिन को तुम कंपनसेट करने के लिए यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, मतलब कल से स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट बेसिक स्टार्ट करो ना कि करना कैसे। मेंटली तो आओ उसमें, कंटेंट बिल्डिंग वगैरह आगे की बातें वो अपन डिस्कस करेंगे क्या करना है, लेकिन द पॉइंट इज कि आओ। ठीक है, दो कंडीशन इसकी हो गई जो इसमें कंफ्यूज वाले में, एक अगर तुम्हारा हो गया तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं टाइम वेस्ट कर दिया हूँ, अगर नहीं होता तो फिर 28 के बाद घूमना आराम से, 30 के बाद घूमना, घूमने ही जाना है। सेकेंड केस है जिनका फॉर श्योरिटी कि नहीं हो रहा है, अगर फाइनेंशियल इशू है तो 3 महीने है तुम्हारे पास, 2-3 महीने कुछ फाइनेंशियली अपना एक्सप्लोर कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। देखो फाइनेंशियल लिटरली दे प्ले द ह्यूज रोल, पैसा बहुत बड़ा रोल करता है। मेंस के टाइम में यू नीड अराउंड 50,000 to 60-70,000 अपना सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह उन देने के लिए, तो पैसा करेगा रोल प्ले। अगर तुम्हारी एज 25-26 के आसपास है ना तो कुछ एक्सप्लोर कर लो, मतलब इस कंडीशन हो जिनका नहीं हो रहा है, यू कैन स्टार्ट योर एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कुछ फिजिकल कुछ कुछ खोल रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। थोड़ा बहुत बहुत आइडियाज है, बहुत सारी चीजें मार्केट में, अपना दिमाग खोलो और वो करो कि अल्टीमेटली मतलब ऐसा कर सकते हो ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मैं उसको, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उसका नहीं हो रहा है, मतलब उसका यहाँ पे इस कैटेगरी में सेकंड वाले, तो आई सेड कि आप 2 महीने बैठ के अपना फाइनेंशियल वाला वो एक सेटअप कर दो पूरा, कि मेरे को आगे इश्यू नहीं आए। ठीक है, घर वालों से हम लोग कब तक मांगेंगे यार, 26-27 के हो गए, मतलब उस स्टेज में आ रहे हैं हम लोग, तो अगर तुम उस एज ग्रुप में हो और इस कैटेगरी में हो और अटेम्प्ट्स बचे हैं तो इस बात को एक्सप्लोर कर लो। 1-2 महीने वैसे ही तुम थोड़ा लेजी होके पढ़ोगे, तो इससे अच्छा है कुछ कुछ ऐसा साइड में सेटअप कर दोगे जो तुम्हें मंथली एटलीस्ट 20 से 30 हज़ार रुपये देता हो। ये रियलिटी है, ये तुम्हें बाद में चीजें समझ में आएगी कि कितना रोल प्ले करता है पैसा, हर चीज में पैसा है। दिल्ली में रह रहे हो, घर से बाहर रह रहे हो, तो फिर तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है जिनका हो रहा है, डेफिनेटली प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, मतलब आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से नहीं तो कल से स्टार्ट कर दो, बट करो। ठीक है, अब अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। एक बारी मैं चैट सेक्शन में जो भी डाउट्स है वो ले लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सर जीएस में 91+ है पर सीसेट में 25 नेट करेक्ट है एंड 6 क्वेश्चन सस्पेंस है। नेट करेक्ट है और सस्पेंस है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करो। सस्पेंस वाले एक बारी आप क्वेश्चन मेरे को अगर ग्रुप पे सेंड कर दो या फिर मेरे को पर्सनल डीएम में डाल देना, ठीक है, जो सस्पेंस वाले क्वेश्चन है, तो फिर मैं उसके बेसिस पे आई कैन सजेस्ट कि क्या करना है। ठीक है सर, मार्केट में ये अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं कि इजी था? देखो मार्केट हमेशा उल्टा चलेगा, जैसे एक सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन आया था ना कि सोशल मीडिया ट्रूथ को कैसे डिस्टॉर्ट करता है, तो मार्केट का काम ही है, मार्केट बनी प्रॉफिट के लिए, जब वो बोलेंगे ना कि 100 की कट ऑफ जाएगी तभी लोग आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? भाई एक बात बताओ कि अगर मान लो कि मेरा कोई कोचिंग है, मान लो XYZ मैं कोचिंग होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे वाजीराम क्या इसमें अपना ORN में, ऑब्वियसली आई विल से ना कि इस साल तो पेपर बहुत इजी आया, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, 100 का ही बोलूंगा मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि 80 की कट ऑफ जाएगी, 80 की जाएगी लोग क्या सोचेंगे यार, 80 की जा रही है मतलब हम भी आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो उनका काम है, उनको करने दो, वो अपना तसल्ली से काम कर रहे हैं, उनका करने दो। 81 बन रहे सर, अगर कैटेगरी में हो तो फिर लग जाओ 81 में। ये देखो कि जैसे डाउट्स वाले तुमने सारे क्वेश्चन हटा दिए ना, मतलब डाउट्स में, मतलब जैसे रेड सी वाला क्वेश्चन डाउट में है, फ्लाइंग फॉक्स वाला क्वेश्चन भी कुछ लोग डाउट में बता रहे हैं, मतलब मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि वर्मिन से उसको हटा दिया है, बाकी देखो यूपीएससी क्या डिसाइड करती है। फिर 1-2 क्वेश्चन और डाउट में, उनको हटा के ट्राई करो कि तुम्हारा अगर 81 बन रहा है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट। ठीक है, श्रुति जनरल, हाँ जनरल कैटेगरी, जनरल से फिर उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कर लो, लगभग 6-7 नंबर तो EWS का माइनस होगा, तो वही है 78-79 इस टाइप का जा सकता है EWS कैटेगरी का। सर जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए एक वीडियो बिल्कुल डालूंगा मैं, एंड प्लीज उसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत मतलब फेल्ट हो रही है काफी टाइम से, मैंने अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था, उसका मतलब लास्ट बार GS में उसके 110 मार्क्स थे,
बट इस बार उसका जीएस नहीं हो रहा है, क्योंकि जीएस थोड़ा सा अटपटा है, एक्चुअली अटपटा है। तभी आई एम सेइंग कि उस चीज को अच्छे से देख के उसको यूज करना। टू टाइम्स फेलियर इन मेंस यार, लोग एक अभी एक बंदी मेरे आगे बैठी थी मेंस के टाइम में, आई थिंक सी गॉट 26 रैंक, क्या नाम है उनका, कुछ है। तो उसका मैंने, मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो, उसके आई थिंक 4 प्रीलिम्स नहीं हुए एंड फिफ्थ में सी गॉट 26 रैंक, सोचो। ठीक है, बाकी आपके उसमें है, अगर फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है, अटेम्प्ट बचे हैं, तो मुझे लग रहा है यू मस्ट मतलब वो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, वहां से डिविएट मत हो। 1-1.5 साल में तुम कुछ अलग कर नहीं पाओगे, लगे रहो और लेवल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ठीक है, ईजी लास्ट ईयर में ऐसे, लास्ट ईयर माई स्कोर वॉज 91, आई कुडंट क्वालिफाई मेंस। यार ऐसे का थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब इवन मेरे को पता नहीं क्यों, मैं ऐसे के अपने मार्क्स 135 प्लस कैलकुलेट कर रहा था, मेरे को लग रहा था मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि ऐसे बहुत अच्छा गया, बट आई गॉट 92। सो मतलब मैं एक क्रेडिबल बंदा नहीं होऊंगा कि भाई आपको मैं सजेस्ट करूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किसी ऐसे वाले बंदे से पूछो जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं और जो कंसिस्टेंटली अच्छे आए हैं। GS2 में डाटा एंड पर्सपेक्टिव के नोट्स बनाए वक्त आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कौन से टॉपिक्स के बनाने हैं या कहाँ से डाटा एंड पर्सपेक्टिव, ये मैं आपको बताऊंगा। GS2 का आई टेल यू अभी, मैं कल कल आज कल में सेशन ले लेंगे अपन कि प्रिपेयर कैसे करना है, GS1 कैसे करना है, GS2 कैसे करना है, GS3 कैसे करना है, GS4 कैसे करना है। एंड बिलीव मी मेंस इज मच मोर प्रिडिक्टेबल। ये सारा कुछ बनाएंगे ना, कैसे करना है, डाउट्स क्वेश्चन कौन से हैं। डाउट्स तो डिपेंड करते, जैसे फ्लाइंग फॉक्स वाला है, रेड सी वाला क्वेश्चन डाउट में बता रहे हैं, वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाला, मुझे लग रहा है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट भी, एंड उसमें सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि टेम्परेचर नहीं सेपरेट, हाँ प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन, सर एक तो बार जो सेकंड से पेपर डिस्कस मतलब कर सकते हैं क्या? पेपर। देखो डिस्कशन करने का कोई मतलब मेरे को वो नहीं लग रहा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है जो डाउट में है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर यू नो कि मतलब ऐसा कुछ इस बार है नहीं। तो उसमें है कि एक बारी मैं और देख लूंगा, अगर इन केस हुआ तो, अगर तुम लोगों को है कि पेपर डिस्कशन कर सकते हैं तो मैं कर लूंगा फिर। ठीक है सर, मेरे GS में 75, CSET में 68 हो रहे हैं, कास्ट SC, भाई लग जाओ बिल्कुल नागेश पंडित। देखो टाइम वेस्ट करोगे तो फिर वही है कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं भुगत भोगी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में लास्ट ईयर भी मेरा थोड़ा GS में मेरे को लग रहा था कि क्या पता भाई वो डाउन ना चला जाए, बट वही है कि उसके लिए मैंने 12 जून तक टाइम वेस्ट किया, उसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17 हो गई तब तक मोशन में आने में। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि 20 दिन तुम्हारे खराब हो जाएंगे अगर तुमने बैठ के टाइम निकाल दिया तो। ठीक है, अभी से लग जाओ सर। आपका मेंस का कोई कोर्स लॉन्च होगा? हाँ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टार्ट करूंगा अभी 1-2 दिन में, सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ये है ना कि मतलब व्हाट आई वांट इज कि देखो प्री में भी तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सारी काम आई अगर तुमने यूज करा है। मतलब जैसे नॉर्थ सी वाला क्वेश्चन था, 4 में 2 लगाओ, वो 2023 वाला इंटेंजिबल गुड्स वाला, इंटेंजिबल वो यूनेस्को हेरिटेज वाला था, 4 में 2 डालो। ये अपना ये हो गया ब्लॉक और फोल्ड माउंटेन वाला क्वेश्चन, 4 में 2 डालो। बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें दिस पर्टिकुलर ट्रिक्स वॉज वर्किंग, मतलब वैसा था ना कि मेंस तो इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, मतलब इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है और वो क्या पूछेगा इवन, और लिटरली वो वही पूछ रहा है जो उसको पूछना है। ठीक है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, बैकग्राउंड की म्यूजिक आ रही है, जो भी मतलब वो जिसने भी माइक को अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वापस म्यूट कर दें। ठीक है सर, आई फेल्ट मेरा स्टैटिक एंड कंसेप्ट में कुछ लेक हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में। देखो यार ये बेसिक तुम कर सकते हो, बट द पॉइंट इज ना, जैसे मान लो कि अब जैसे मेरा गंगा वाला क्वेश्चन गलत किया मैंने, अब गंगा वाला ए और बी में मैं फंस गया, फिर आई डोंट नो मतलब वो याद ही नहीं आ पा रहा था, तो वो क्वेश्चन इज मोर अबाउट मतलब फैक्चुअल था ये। एक बार आप माइक प्लीज अपना म्यूट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं बैक करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन सारे हट जाएंगे स्क्रीन से। ठीक है, तो थोड़ा स्टैटिक ये है ना कि आप स्ट्रॉन्ग करो फिर स्टैटिक, अभी टाइम है। ऋषिकेश सर के ज्योग्राफी के वीडियो देख लो भाई, जिसने ऋषिकेश की वीडियो देखे ना इस बार, मैं कितनी बार मैंने बताया ऋषिकेश के देख लो भाई देख लो, सारे क्वेश्चन बन रहे थे, हार्डली कोई क्वेश्चन होगा तो नहीं बन रहा होगा उस बंदे के उससे वीडियो से। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का क्या आंसर होगा? यार नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल का अब मेरा तो गलत है, क्योंकि मैंने तो वो हटा दिया था प्रेसिडेंट वाला, ठीक है 3 वाला, तो कुछ लोग प्रेसिडेंट वाला बता भी रहे हैं कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। होम मिनिस्टर आई थिंक नहीं होगा, तो 1, 2, 3 होगा। ठीक है, लास्ट
टाइम मेरी फ्रेंड का 94 2096 था, अभी 80 पे है। अरे बहुत लोग हैं, मतलब मेरा रूममेट है उसके लास्ट में 104 थे, इस बार 85 तक है। ठीक है, एक मेरा और फ्रेंड है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, उसके 110 तक मार्क्स आए, बट इस बार ही इज गेटिंग अराउंड 80+, मतलब 80+ -2। तो इस बार पेपर एक्चुअली वैसे होता है ना कि सिंपल होता है, लेकिन वो है कि गोस्ट वाला पेपर है, तुम्हें पता नहीं चल पाया कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें मेंस के लिए। ये डिस्कस करेंगे क्या करना है। सर आपका जीएस में कितना स्कोर आ रहा है? जीएस में पहले तो मैंने मैंने इस बार 98 क्वेश्चन किए हैं, दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, एक आइसोथर्म्स वाला और एक जाइंट वो स्टार्स वाला, क्योंकि उसमें मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो अराउंड 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं और 62 लगभग सही बैठ रहे हैं, तो उसमें ये है कि अराउंड 105 ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब अब देखते हैं क्या उनका कट ऑफ वगैरह है, कट ऑफ तो वही 85 ही है, तो लगभग तो हो जाना चाहिए, मतलब हो ही जाएगा। बाकी सीसेट में तो अराउंड 110+ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सर मेंस की स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, ये इसका मैं एक अलग से सेशन लूंगा। ज्यादा सोचना ही क्यों है सर, लग जाते हैं मेंस में, यही एग्जैक्टली भाई, लगो। प्रीलिम्स हो गया तो सही, नहीं हुआ तो और अच्छा, नेक्स्ट ईयर फोड़ देंगे, यही यही मेंटेलिटी चाहिए। इसीलिए ये मैं सेशन वो कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरे से कुछ तो आप सीख लो, प्री में कुछ ना कुछ सीखा होगा, काम आया होगा, इसलिए आई एम टॉकिंग कि प्लीज डू दिस थिंग, अभी से लग जाओ। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, 30 के बाद में आराम से 10 दिन और रिलैक्स कर लेना, घूम घाम के आ जाना, घर पे चले जाना, लेकिन अगर हो गया तो तुम्हारा मेंस हो जाएगा। ठीक है, मेरे सी सेट में 68 होगा या नहीं होगा, सही लग रहा है यार, 68 आ रहे हैं ना जिनके, उनका पहले आप मैथ्स में श्योर करो, एक चीज। दूसरा, एक बारी जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन की डाली है ना, उससे चेक करो, मतलब आई एम 100% श्योर कि इस बार वाले कॉम्प्रिहेंशन में हार्डली एक या दो क्वेश्चन डिविएट करेंगे। तो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन मतलब वैसा है ना कि यहाँ पे ये चेक करो कि किसका डाउट पड़ रहा है, अगर कॉम्प्रिहेंशन का पड़ रहा है एक क्वेश्चन, मतलब एक बार चेक करना, उसके बाद में मेरे को डीएम कर देना वहां पे कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, और मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है 68 है तो लग जाओ भाई, अगर हो गया तो फिर इश्यू होगा। वही है, ट्राई क्लियर प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट टाइम आल्सो, इस टाइम भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। लास्ट टाइम मेंस में आई स्कोर 640 ओनली, जबकि आईटीटी स्टडी अलॉट, आई थिंक आई गॉट माई स्ट्रेटजी रॉन्ग, क्योंकि कट ऑफ से 100 मार्क्स सारे इज साथ हो नॉट जाओ गुड, हाउ शुड आई प्रोसीड। बजाना देखो सीखा इसका मैं अच्छे से डिस्कस आना करूंगा कि क्या चले कर करना कितना आम है आना लाना आइए ना पूरा आना कौन से पर सिमिट तो क्या था सिमिट आने दे है। तो इसका मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा मेंस को अप्रोच करना मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इस बार जिन्होंने भी दिया है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में मीन्स, ऑल वर गेटिंग अराउंड 650 640 670, इससे ज्यादा नहीं गया। तो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, देखो प्री में भी तुमने एक चीज नोटिस करी है ना, आई थिंक तुम अगर भाई अपने बैच में थे ना, तो यू माइट हैव नोटिस दिस थिंग कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्री में। प्री इज ऑल अबाउट योर स्मार्ट एंड वो एक वो होता है ना कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल माइंड, कंसेप्चुअल और स्मार्ट माइंड दोनों, और एग्जाम के मोमेंट में तुम क्या सोच रहे हो। अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताऊं, जो कृष्ण देव राय वाला क्वेश्चन आया था, यू वॉन्ट बिलीव कि वो क्वेश्चन मैंने गलत किया है, एंड मेरे को बाकी कोई चीज का रिग्रेट नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन का रिग्रेट हो रहा है। वो क्वेश्चन ऐसा था ना कि कभी अब ये चीज इन्वेंट भी हम मतलब आई डोंट किसी ने किया होगा आई डोंट नो, बट ये चीज 2019 में जब ये 20 वाला फर्स्ट मेरा था प्रीलिम्स, उसमें भी मैं लेके गया था कि मेरे को ये काम करने, अगर मेरे को कृष्ण देवराय दिख जाए, अशोक दिख जाए, एंड आई थिंक ये चीज मैंने आपको कितनी बार बोली होगी कि अगर पोर्ट दिख जाए, विजयनगर दिख जाए डालो, बट आई वेंट विद द डी। तो वो कभी कभी कुछ होता है, मतलब पता नहीं, या तो वो गलत होने के लिए बना होता है या सिंपल गलत हो जाता है, तो ठीक है, बट ऑल इन ऑल ना तुमने अगर यूज करी है सारी चीजें, तो डेफिनेटली इस बार तुम अच्छे नोट पे हो। तो प्री में तुमने एक चीज नोटिस करी है ना कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बट ज्यादा एक टेक्निकली समझने से होगा चीजें, लॉजिकली क्या हो सकता है। जैसे वो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री मानधन योजना वाला, श्रम मानधन योजना ऐसा कुछ करके था क्वेश्चन था, उसके ऑप्शंस देखना, उसके ऑप्शंस में बी और सी ऑप्शन में 2, 3 और 3। इस बार मैंने ये वाला ऑप्शन डिस्कस नहीं किया था, बट यूपीएससी हमेशा जब ऐसा ऑप्शन क्रिएट करती है ना 2, 3 और 3, उसमें डेफिनेटली 1000% वो देता है 2, 3। मैंने 2, 3 डाल दिया, बट जब पढ़ने लगा फिर मैंने चेंज कर दिया। तो वैसा कभी कभी होता है,
लेकिन द पॉइंट इज ना कि तुमने एक मेन प्री में तुम्हें एक चीज समझ आ गई कि स्मार्ट वर्क इज एवरीथिंग। हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क है। तो मेंस इज ऑल अबाउट सेम थिंग। ज्यादा पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन यू शुड नो कि क्या पढ़ना। और देखना 1 महीने में तुम्हारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, 1-1.5 महीने में, तुम्हें अगर पता है कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है सर, पैरासाइट वाले स्पीसीज का आंसर तो अब वो नहीं हो आएगा क्या? डाला तो मैंने भी ऑल 5 है, बट पीपल आर सेइंग कि ऑल वो 3 होगा, बट लेट सी क्या होता है। वो तो मैंने गलत में ही डाला है कि क्या पता गलत हो सकता हो। सर रेड सी का क्या होगा? अब इनका देखो कहीं पे लिखा हुआ कि कुछ रिवर्स है, ठीक है, अगर तुम यूट्यूब वगैरह इन सब पे या विकिपीडिया पे कहीं पे भी देखोगे तो दे ऑल आर मेंशनिंग की है भाई रिवर्स जो वहां पे जाती है। तो अब वही है ना कि जो यूपीएससी मानेगा वो होगा, वो रिवर्स को स्ट्रीम्स में मानेगा नहीं मानेगा। इतना बड़ा रेड सी है, एक आध तो कोई स्ट्रीम उसमें गिरी जाती होगी, तो वो यूपीएससी का कॉल है। फ्लाइंग फॉक्स वाला भी पहले वर्मीन में सेपरेट कैटेगरी था, अब उन्होंने हटा के उसमें डाल दिया है, मतलब शेड्यूल 2 में वर्मीन की कैटेगरी भी हटा दी है। और लिखा हुआ है सेक्शन 62 में कि वर्मीन कोई भी स्पीसीज को डिक्लेयर कर सकता है जो शेड्यूल 2 में, तो वो कैटेगरी में नहीं हुआ ना। वो भी क्वेश्चन मेरे को लगता है कंसेप्चुअली क्वेश्चन गलत बनाया, बट द पॉइंट इज कि इनके दोनों के आंसर मेरे गलत हैं, क्योंकि मैंने रेड सी में डी डाला है एंड फ्लाइंग फॉक्स में मैंने डाला ए कि वो वर्मिन है और वो ब्लड भी वो फीड्स ऑन द ब्लड वाला। तो मेरे ये दोनों क्वेश्चन गलत ही है, तो मैंने इनको पहले से हटा दिया कि कोई भी आंसर हो। सर अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, इसमें कौन सा है? सही है, अर्जेंटीना का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। रडार वाले क्वेश्चन में मैंने भी सोचा था नन डाल देता हूँ, बट एटलीस्ट मोमेंट मार्क ऑल 3 होता है। देखो कभी कभी मतलब देखो अब जैसे मान लो कि वो पायरोलिसिस वाला क्वेश्चन आया था, सॉरी वो वॉल्केनो वाला, या एक वो आया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाला कुछ करके, कौन वाला क्वेश्चन आया एविएशन टर्बाइन फ्यूल वाला, तो इन सब में काम किया है ना, फोकट के मार्क्स हैं। अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता होती तुम कभी सोच पाते एविएशन टर्बाइन फ्यूल में क्या यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले उसमें क्या यूज होता है। ठीक है सर, आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क बट सेल्फ डाउट। देखो सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा, जैसा तुम मैनिफेस्ट करोगे ना वैसी चीजें होगी। तो थोड़ा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो कि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है पक्का करना मेरे को और हो जाएगा। बायोम वाला क्वेश्चन में इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि यूपीएससी वैसा है ना कि हमेशा अपनी थीम वाले उसमें देता है। और बाकी मैंने चेक भी किया है मेरीन वाला लग नहीं रहा है, बट देखो कॉल यूपीएससी का है। अब कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, ए थोड़ा मोस्ट प्रोबेबल मुझे भी ए लग रहा है, बट आई डोंट नो उन्होंने क्या सोर्स यूज किया है या फिर कुछ टेक्निकल कुछ इश्यू हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली डीप में जाके तो मैंने भी चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने सेकंड स्टेटमेंट देखा कि प्रेसिपिटेशन होती है थ्रू आउट द ईयर, तो वो एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही लग रहा था मुझे, बट लेट्स सी। उसको भी मैंने गलत मान लिया, ऐसे क्वेश्चन डाउट है ना उनको गलत मान लो, उसके बाद में चेक करो कि तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है। अमेजन वाला, अमेजन में तो डेफिनेटली कॉन्गो बेसिन है, जब तुम्हें पता है कि लास्ट ईयर यूपीसी ने कॉन्गो बेसिन दिया है, तुम क्यों सोच रहे हो भाई? मतलब यू शुड नो द मतलब साइकोलॉजी ऑफ यूपीएससी, कि जब लास्ट ईयर में कॉन्गो बेसिन दिया तो माइट बी कॉन्गो बेसिन बहुत, देखो कॉन्गो बेसिन में जो पीटलैंड्स है वो डिस्कवर हुए है 2017 में, ठीक है 2022 में एक सर्वे हुआ है उसके बेसिस पे ये फाइंड आउट हुआ है कि लार्जेस्ट जो रेन वो है पीटलैंड्स है वर्ल्ड के वो है तुम्हारे कॉन्गो बेसिन में। 23 में क्वेश्चन आया कि कॉन्गो बेसिन का क्या है कैमरून वाला, तो थोड़ा बहुत रीड कर लेते। नहीं भी रीड कर रहे हो तुम मेंटली ऐसे सोचो कि कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज होगी, और पीटलैंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट मतलब होना एक बहुत बड़ी चीज है। दो क्वेश्चन आ गए यूपीएससी, तो वैसे माइंड वाला हो सकता था, इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही होगा। हाँ होपिंग दैट कि अगर हो तो फिर और अच्छा है। सर शंकर के आंसर की ऑथेंटिक होती है? देखो शंकर ने एक और कोई क्वेश्चन था उसका बहुत घटिया आंसर दिया था, एक दो क्वेश्चन थे, तो आई एम नॉट मतलब सेइंग कि उनका सही होगा। तुम लास्ट 2023 का देख लो, 12 12 क्वेश्चन डिविएट करें, ठीक है, तो डेफिनेटली 4 5 क्वेश्चन तो हर कोचिंग के की के डिविएट करेंगे, बट तुम वैसे क्वेश्चन को हटा दो जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाला है। ऑल दो आई हैव वेंट विद द ऑप्शन ए कि इक्वेटोरियल होगा, ठीक है, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को गलत मान लिया। उसके बाद चेक करो कि तुम्हारे कितने बनेंगे। उसके बाद अगर तुम 85 वाली जोन में हो ना तो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है सर शंकर। हाँ ठीक है, बाकी किसी का कुछ डाउट है इसके अलावा, इन सब चीज के अलावा? हेलो। हेलो हाँ सर, सर मुझे एक पूछना था कि सर आप अभी आपने बोला ना कि 2 3 और 3 में हमेशा यूपीएससी 2 3 ऑप्शन राइट देता है, तो सर इस वाले क्या को आप मतलब क्या बताना चाहते हैं, फिर से बताइए। बताना चाहते थे मतलब? जैसे कि ऑप्शन वाले में बोला था ना आपने कि 2 3 और यूपीएससी 3 देता है, तो हमेशा 2 3 ऑप्शन वो सही देता है यूपीएससी, तो सर इसमें अभी कैसे एलिमिनेट करते हैं सर?
नहीं, अभी के लिए उसको छोड़ दो, जब पीटी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं उस ऑप्शन वाली चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम बिल्कुल मतलब वैसे लगा सकते हो विदाउट इवन मतलब रीडिंग द कंटेंट, क्योंकि वो चीज वही हो रही है, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके okay. क्योंकि सर इस बार तो आपने बताया नहीं था ना। इस बार मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वैसा है ना कि देखो इस बार 5 में वो क्वेश्चन आया था इटली वाला, 5 में 3 लगे, ये क्वेश्चन आया अपना पारासाइटोइड वाला, वो उसमें भी लोग 5 में 3 बोल रहे हैं, तो चीजें मतलब कन्वेंशनल चीजें चल रही है, लेकिन वैसा है ना कि हम लोग टोटली उन पे रिलाई नहीं कर सकते, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट मतलब उसमें पीटी में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गोमती घाघरा में बहुत ओके कंफ्यूजन थे, वही वही है ना, गोमती घाघरा में जिसको पता था उसका आंसर बन गया। सर कौन सी आंसर की से आपने चेक किया? मैंने ऐसे आंसर की से चेक नहीं किया है, मैंने जो क्वेश्चन डाउटेड थे ना वो सारे हटा दिए, जैसे रेड सी, फ्लाइंग फॉक्स, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो भी मेरे को डाउट क्वेश्चन लग रहा था ना कि दिस क्वेश्चन कैन बी डाउट, मतलब जनरली लग रहा है कि ये डाउट है, उन सबको मैंने हटा के फिर कैलकुलेट किया है, तो तुम वैसे कर सकते हो। अगर वो सारे डाउट गलत भी हो जाए तब भी मतलब तुम्हारे अगर आ रहे हैं 85 तो स्टार्ट कर लो, ठीक है? किसी और का कुछ डाउट? किसी का कुछ सर डाउट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, सर तो जैसे आपने बोला कि कल परसों से मतलब मेंस का शुरू कर देना, तो सर एज इन लाइक मतलब जैसे आप भी ऑब्वियसली अभी मतलब 2-3 दिन में बता दोगे कि कैसे प्रोसीड करना है, तो सर मेरा ये डाउट है, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया था मैंने आंसर राइटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, मतलब जीरो, मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दे रहा था तो मैंने सिर्फ कंटेंट कंटेंट ही पढ़ के गया मैं सारा, और सिलेबस खत्म करना ही मेरे लिए चैलेंज हो गया था लास्ट में। तो सर वो है, तो सर जैसे मैं अगर अपना शेड्यूल अगर अभी से बनाऊँ सर, तो मुझे कितना का डेडलाइन रखना चाहिए कि इसके बाद अब पढ़ना नहीं, अब इसके बाद सिर्फ राइटिंग वगैरह ही करना चाहिए ज्यादा। नहीं, देखो इसको तुम्हें क्या करना है कि एक जनरल में बता देता हूँ कि इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली रखना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो क्या करना पड़ेगा कि बिगनिंग के लगभग 40 दिन में तुम क्या करो कि सारे नोट्स बना दो। बनाने कैसे हैं? वैसे नोट्स बनाने ना जो यूपीएससी को चाहिए, नॉट जो कोचिंग वाले बना रहे हैं या कोचिंग वाले दे रहे हैं, उनके नोट्स पढ़ोगे तो सच में कुछ नहीं होगा। तुम्हें वैसे नोट्स बनाने जो यूपीएससी को डिमांडिंग है और उनमें मार्क्स देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि एक्चुअली कैसे मतलब वो काम करना है। जैसे यस मान लो सर, एक आता है, एक कोरल ब्लीचिंग का मैं ले लूँ क्योंकि अभी न्यूज में भी था बहुत ज्यादा, ठीक है? यस सर, तो मेरे को ऐसे ही थॉट आ रहा था कि क्या करना, मान लो कोरल्स का ही ले लें अपन, ठीक है? अब मान लो कि इस बार मतलब मास एक्सटेंशन हुआ है कोरल रीफ्स का, तो देर कैन बी ए क्वेश्चन इन द मीन्स, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग का ऑलरेडी उन्होंने 2019 में क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम ब्लीचिंग हुई थी 2018 में, दैट्स वाई। और बहुत अच्छा मतलब वो है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और वैसा इकोसिस्टम है, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन, अगर पूछता है 10 मार्कर पूछ सकता है या 15 मार्कर, गेटिंग माई पॉइंट? ये तुम्हें समझ यस में आ सर, गया? अब तुम्हें आएगा समझ में कि पहला चीज मान लो ज्योग्राफी में पूछ रहा है, मतलब GS1 में, ये काम तुम्हें यहाँ से मेंटली वैसे करना पड़ेगा। GS1 में पूछ रहा है तो क्या पूछ सकता है? फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिक कोरल्स क्या है, ठीक है? उनका इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या है, जो 4 सर्विसेज है ना, अभी मेरे को उनका सर्विसेज का वो नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, कल्चरल है, टूरिज्म वाला है, और एक रेगुलेटिंग है, एक कंट्रोलिंग है, हाँ ये आई थिंक यूएन की है, किसी की डिफाइंड है, ये अपन डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, ठीक है? इकोसिस्टम सर्विस हो गई, उसके बाद में ये हो गया बेसिक, फिर आ गया ज्योग्राफी में कि इंडिया में कहाँ कहाँ है प्लस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, ठीक है? ये यस पूछ सर, सकता है GS1 में, ठीक है? फॉर्मेशन कैसे होता है या अफेक्ट कैसे होती है, फिर आता है कि कोरल मतलब ब्लीचिंग डाल दो या फिर कोरल्स में क्या क्या इशू आ रहे हैं, जो कोरल इकोसिस्टम है वो थ्रेट में कैसे है या क्लाइमेट चेंज उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कोरल्स आर मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, तो क्लाइमेट चेंज का यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ कोरल इज अफेक्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा कुछ करके 2019 में एक क्वेश्चन था, ठीक है? फिर क्या आ सकता है कि वही थ्रेट्स में क्या क्या रीजन्स हैं, फिर आएगा कि सॉल्यूशन क्या है, मतलब आएगा मतलब कि तुम्हें सॉल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इतना कुछ कर रहे हो तो यू हैव टू गिव सॉल्यूशन। इतना आ गया समझ में? अब देखो, यस सर, अब ये तो हो गया जो बेसिक थ्रेड बनाना है GS1 के लिए। मान लो GS3 में आए, GS3 में जनरली इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट में भी आएगा तो उनकी इंपॉर्टेंस और आएगा थ्रेड कैसे, ब्रॉडली ये सेम आएगा, बाकी इन्वायरमेंट में कुछ आएगा नहीं, या उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस वही सेम है, थ्रेड वाला हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? ब्रॉडली यस ये सर, आएगा।
अब ये तुम्हें समझ में आ गया कि कोरल वो कैसे पूछ सकते हैं। अब आओ तुम कि करना क्या है, ठीक है? जैसे एक इंडिया और वर्ल्ड का मैप में कोरल ब्लीचिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, अरे सॉरी, कोरल्स पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ, ठीक है? दूसरा सर, ये देखो कि थ्रेड्स कैसे कैसे हैं। थ्रेड्स में तुम्हें कम से कम 10 थ्रेड्स लिखने हैं, 10 थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या है विथ कॉन्क्रीट डेटा। जैसे क्लाइमेट चेंज लिखा आपने, एक क्लाइमेट चेंज लिख के उसका एक एग्जाम्पल दे दो कि मास एक्सटेंशन हो रही है इस बार, आई थिंक फोर्थ मास एक्सटेंशन है उसकी वजह से। जैसे अभी डेटा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी प्री के टाइम में ही था बहुत ज्यादा, मतलब कोरल ब्लीच हुआ है उसमें। जैसे वो जो ग्रेटर बैरियर रीफ वाला है उसका डाल सकते हो कि उसके 4 टाइम बार हुआ है मतलब कोरल ब्लीचिंग, तो वहां पे स्पेसिफिक डालो कि 1998 में है, फिर 2008 का कुछ है, ऐसा कुछ है। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना क्या डालना है। यस फिर सर, तुम डालना फिशिंग, फिशिंग में डालो, फिशिंग में क्या है, अनरेगुलेटेड फिशिंग हो गई या इलीगल फिशिंग हो गई। जैसे वो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन्स वाला, उसका कुछ नाम है अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ है स्टोन कुछ करके है, मतलब उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं कुछ करते हैं, और वो एक मतलब उसका यूज करते हैं जो सर ये बायोरॉक माइनिंग। टेक्नोलॉजी। नहीं, मतलब थ्रेड्स में मैं बता रहा हूँ, बायोरॉक तो अपने को अच्छा, उसमें डालना है सोल्यूशन में, ठीक है? सॉल्यूशन तो फिशिंग का कुछ है, मतलब एक 3-4 कीवर्ड्स हैं, मतलब जो टेक्निक्स है उसके वजह से बहुत सारी कोरल मतलब अफेक्ट हो रही है, ठीक है? मतलब ये है ना कि तुम्हें, जैसे तुम फिशिंग डाल रहे हो, या तो इसमें एग्जाम्पल डालो या तो इसमें डेटा डालो, यस गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें कम से कम 7-8 पॉइंट वैसे बनाने पड़ेंगे जो थ्रेड्स में है। फिर आओ तुम इम्पोर्टेंस में। इम्पोर्टेंस में हमेशा ध्यान रखना कि यूएन का ही डिफाइंड वो है, कोई भी इकोसिस्टम हो ना, कोरल हो, मैंग्रोव हो, ग्रीन ये रेन फॉरेस्ट हो, या मान लो कि वेटलैंड हो, उनकी 4 सर्विसेज है जो यूएन ने डिफाइन कर रखी है, यस रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, सर, कल्चरल, और एक और है कुछ, मतलब उनका प्रोटेक्टिंग होगा या कुछ होगा, या वो है यस सर, प्रोविजनिंग वाली, ठीक है? ये मैं मतलब ये अपन डिस्कस कर लेंगे कौन सी है, वो आगे की चीजें, ठीक है? इन चारों हेडिंग में 4-4 पॉइंट डाल दो। तुम्हें पता है कि हेडिंग कौन सी है, तो एग्जामिनर जैसे ही देखेगा ना, मान लो क्वेश्चन आ गया कोरल्स की इंपोर्टेंस क्या, तुमने लिखा कि इंपोर्टेंस ऑफ कोरल यूएनईपी के क्लासिफिकेशन, कुछ है यूएनईपी का है, यूएन का ही है, किसी का क्लासिफिकेशन है, चार यस सर, डाला, 4 पॉइंट डाले, और एक एक एग्जाम्पल अगर तुम्हें देना है तो एग्जाम्पल दे दो, ठीक है? फिर आएगा क्या, कोरल हो गया, मैप हो गया, थ्रेड्स हो गए, अब मेन आएगा कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग है क्या, और यू शुड नो कि कब कब हुई है, कहाँ कहाँ पे कितनी कोरल अफेक्ट हुई है। 3-4 डेटा, 3-4 एग्जाम्पल्स यू हैव टू मगअप। देखो अल्टीमेटली योर मेंस इज एवरीथिंग, अगर 800+ 800+ लाना है तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। एक क्वेश्चन को वैसा बनाओ ना कि वो 10 में से 9 नंबर दे, दे भले कितना, तुम्हारी यस सेटिस्फेक्शन में वो 9 नंबर देना चाहिए, ठीक है? अब सर, कोरल ब्लीचिंग का तुम मैप बना सकते हो कि कैसे यस कैसे कोरल ब्लीच हो रही है, ठीक है? फिर तुम जैसे ये एक इंडिया का एग्जाम्पल दिया मान लो, ठीक है? तो यहाँ पे दे सकते हो कि जो लक्षद्वीप वाली कोरल्स है वो इसकी वजह से, जो ऑयल पोल्यूशन होता है इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पे सुंदरबन तुम्हें है नहीं, इधर तुम गुजरात वाली डाल दो, गुजरात में किसकी वजह से हो रहा है, कि ये हो गया अपना सीवेज वाला, सीवेज वाला हो गया कोस्ट, ये जो अपना है क्या बोलते हैं इनको, कोस्टल इरोजन, ठीक है? इनका यस सबका डालो, या इधर इस साइड में वेस्टर्न कोस्ट में डाल रहे हो, ईस्टर्न कोस्ट में डाल रहे हो, तुम्हें उसको एग्जामिनर को क्या लगेगा ना कि यू नो कि इंडिया में जहां पे भी, अंडमान में, अब जैसे अंडमान में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको स्ट्रेटेजिक वो बना रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है? फिशिंग हो गई, सर, फिशिंग तो सब में डालो, इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग सब में डालो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि अगर कोरल ब्लीचिंग का आता है तो तुम्हें इंडिया स्पेसिफिक, और तुम वर्ल्ड का बना लो ना, इधर ऑस्ट्रेलियन वो रीफ बना लो कि वो किस वजह से हो रही है, इधर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उसमें एक मेजर फैक्टर बना दो क्लाइमेट चेंज, यस सर, सर तो ठीक जैसे है? ये सब, जैसे आप जैसे बता रहे हो कॉरल्स वगैरह में, तो जैसे मैं सर करता था लास्ट में, मैंने जैसे किया था कि कोई भी टॉपिक मैं ऐसे लिखता था, मैं कोई बुक से तो नहीं पढ़ता था, मैं ऐसे गूगल पे लिखता था, उसके पीछे यूपीएससी, तो वो दृष्टि या विजन के 1-2-3 साइट होते हैं ऊपर के, मैं उसी से कंटेंट उठा लेता था। सो सर, इज दैट फाइन, या फिर कोई बुक वगैरह कुछ मैं रेफर करूँ? नहीं, इट इज फाइन, बट द पॉइंट इज ना कि ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए वहां से, मेरा ये पॉइंट है। अगर सर, तुम जैसे मान लो इसके साइड्स पे पढ़ रहे हो, जैसे किसी का भी विजन का पढ़ लिया, किसी का पढ़ लिया, माइट बी वो तुम्हें या तो ये क्लासिफिकेशन नहीं देंगे यूएन वाला जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, यस या सर, तुम्हें वो 3-4 एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, या कोरल ब्लीचिंग का वैसे एग्जाम्पल नहीं देंगे कि लक्षद्वीप में क्यों हो रही है, या ये यस सेम मतलब यहाँ पे अपना ये गल्फ ऑफ कच्छ वगैरह इधर वाला जो ये गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे क्यों हो रही है,
या फिर अंडमान ऐसा निकोबार में क्यों हो रही है। मेरा पॉइंट ये ना, तुम कहीं से भी करो, और ये चीज अपन डिस्कस भी कर देंगे कि करना भी कैसे है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये द पॉइंट एग्जाम्पल इज नॉट, कलेक्ट कहाँ से करना है ये जो आप हाँ बता रहे हो? ये जो एग्जाम्पल्स आप बता रहे हो ना, कोरल ब्लीचिंग ये सब, तो ये एग्जाम्पल्स कलेक्ट कहाँ से करना है? अब देखो क्या करो तुम, एक मैं सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसे मान लो कोरल ब्लीचिंग लिखा है तुमने, ठीक है, उसका क्या करो, इमेज सेक्शन में जाओ यूपीएससी वाले, अरे सॉरी उसमें गूगल वाले, इसमें भी द हिंदू डाल दो या इंडियन एक्सप्रेस डाल दो। इंडियन एक्सप्रेस का ही एक्सप्लेन पेज है, उस पर आई थिंक उन्होंने 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं और 4-5 डेटा दिए हैं। मैं वो पेज भी शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, एक्सप्लेन वाला है, उसको अपनी उसी नोटबुक में डाल दो, 4-5 एग्जाम्पल है। और तुम्हें देखो, तुम बेसिक पॉइंट सब लिख लोगे, कोरल कैसे फॉर्म होती है, थ्रेड्स क्या है, ये जो चीज है ना, ये तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देगी बाकी सबसे, हर पॉइंट में डेटा, हर पॉइंट में एग्जाम्पल। अगर तुम्हें करना है तो, अगर 850 या 800 वाला जाना है, क्योंकि तुम टॉपर्स की किसी भी कॉपी देखना, एंड ये चीज इस बार मैंने देखी है GS2 और GS4 में तो, एंड इवन GS3 में भी, क्योंकि मेरा GS3 का पेपर बहुत घटिया गया था ऑनेस्टली। मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला वो क्वेश्चन था, वो सब्सिडी वाला क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे वैसे क्वेश्चन थे कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को 75 देगा, बट DA 88 है। अगर मैं बाकी वाले क्वेश्चन, जैसे वो क्वेश्चन आए थे कि UAVs के इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे बना बना के लिखा है। अगर वहां पे मेरे को कॉन्क्रीट पॉइंट पता होते ना 4-5, तो मार्क्स 100 तक भी जा सकते थे। अब पेपर उनका मेरे चीज को, में जो डेटा है उसको हम जनवरी से न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लें, या फिर अभी जो फिलहाल में चल रहा है अभी वाले डेटा नहीं, कलेक्ट उसका कर लें? भी वी विल डिस्कस कि CA कैसे करना है, करंट अफेयर्स। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो ये है कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट वाला, एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है इसमें हिंदू में, प्लस हिंदू का एक वो आता है, हाँ संडे को आता है आई थिंक, एक्सप्लेन जैसा ही है, और एक इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है। आधा पेपर तो मेंस वाला जो करंट का है वो यहीं से बन रहा है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो आई कैन शो यू थिंग्स। इसी जाके जनवरी हाँ स्टार्ट आप करो जैन से लेके सितंबर तक, 9 महीने का एटलीस्ट। मैं आपको सारे पे, क्वेश्चन दिखा दूंगा, यू वॉन्ट बिलीव। जैसे इस बार आया था अनएम्प्लॉयमेंट वाला कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, आप द हिंदू लिखो, और आई थिंक 9 सितंबर का ये क्वेश्चन वो पेपर है, एग्जैक्टली हिंदू में द वो टेक्स्ट वाले में एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे कैसे करना है। फिर देखो जेम्स वेब वाला क्वेश्चन, हिंदू में पूरा एक्सप्लेन है, लास्ट ईयर जो पूछा था क्या करना है, मतलब क्या उसका वो इम्पोर्टेंस वगैरह जो भी है। सब्सिडी वाला क्वेश्चन देखो इस बार वाला, बहुत सारे थे, ये अपना नालसा वाला, ठीक है, फिर वो आओ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे पिछले 7-8 महीने के हिंदू के ही आर्टिकल से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मान लो CCI वाला है, ठीक है, GS2 में आया, एंड आराम से आप 3-4 पॉइंट तो बना बना के लिख सोगे कि वो कंपटीशन मेंटेन करता है मार्केट में, जो भी एक्स्ट्रा ये इलीगल एक्टिविटीज होती है, इनको क्या बोलते हैं, जो प्राइसिंग सेट करते हैं ना, प्रीडेटर प्राइसिंग ऐसा कुछ करते, कुछ नाम है कि वो सेट करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, मोनोपोली को मतलब वो करते हैं कि भाई एक देखते हैं कि, या सर्विलियंस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करता होगा। नॉर्मल एक पॉइंट तुम लिख लोगे, तुम अगर मेंस में ऐसा है ना स्टेचुरी बॉडी का, तुम्हें लगभग तुम किसी का भी फंक्शन लिख लोगे, बट अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स पता है ना, जैसे ये क्वेश्चन आया था आई हैव पुट 4 एग्जाम्पल, 4 नहीं 3, जो मतलब लेटेस्ट वाले थे, एक आई थिंक गूगल पे था, एक अमेजन और फ्लिपकार्ट का था, एक और किसी का था उस पे था, ये जो अपना मेक माई ट्रिप है ना उसका कुछ था। तो आई मतलब पर्सनली थिंक कि उन 3 एग्जाम्पल्स ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा बाकी बंदों से डिफरेंट किया होगा, एक सेकेंड, बाकी बंदों से डिफरेंट किया होगा, ठीक है। तो गेटिंग माई पॉइंट ना, कि तुम्हें कंटेंट वैसा प्रिपेयर करना है कि तुम्हें डबल मेहनत नहीं लगे, ऐसा नहीं होना कि तुम एक बार ही 1 महीने में करो फिर तुम्हें लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्या, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। अब जब मान लो तुमने कोरल्स को ऐसे किया है ना प्रिपेयर, एक मैं कोरल का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कोरल को पकड़ के बाकी सब टॉपिक वो वैसे ही प्रिपेयर करने हैं। जैसे कोरल है, कोरल की तरह आप वेटलैंड प्रिपेयर करो, ठीक है, वेटलैंड की तरह आप करो ये रेन फॉरेस्ट वाला, या जो नॉर्मल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको करो सेम लाइन में, ठीक है, फिर आप करो इनको मैंग्रोव को करो सेम लाइन में। गेटिंग माई पॉइंट, टाइम नहीं लगेगा, हार्डली एक टॉपिक 2 घंटा लेगा या 3 घंटा लेगा मैक्स, 2 घंटा भी मैक्स है, और अगर थोड़ा सा तुम फास्ट स्पीड में आओगे तो 1 घंटा लेगा। यू शुड नो, अब जैसे मान लो यही बनाना है, जैसे मान लो मेरे को बनाना है, मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा, जैसे मान लो इसी का कोरल्स का मेरे को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन का मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई नो कि क्या क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। फिर आता इंडिया में कोरल्स का है, उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, अपने को मैप सेट हो गया माइंड में कि कहाँ कहाँ है,
ठीक है, फिर इकोसिस्टम सर्विस में इनके चारों के वो हेडिंग डाल दूंगा एक बार, जो भी वो था प्रोटेक्टिंग वाला, ये हेडिंग डाल के उनका एक बार मीनिंग समझ लेंगे कि प्रोविजनिंग में क्या है वो क्या है, फिर एक एक एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे इंडिया की जो कोरल इंडस्ट्री है, जैसे लाइम स्टोन वगैरह वहां से निकलता है, वो कितना निकलता है थोड़ा बहुत बता सकते हो, मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर होती है, कुछ अगर आइडिया है किसी मेडिसिन का वो डाल दो एग्जाम्पल में, ठीक है। बाकी थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स आई नो कि 7-8 थ्रेट होंगे, क्लाइमेट चेंज वगैरह ये बेसिक तो तुम सब लिखोगे, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ये सी लेवल राइज हो रहा है तो उसकी वजह से फोर्टिक जोन अफेक्ट हो रही है, ये सारा कुछ ये तो अपन लिख लेंगे, देर इज नो नीड टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ दिस थिंग। बट नोट्स किस पे करेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर मेरे को एग्जाम्पल पता हो या डेटा पता हो तो वो छोटे छोटे यहाँ पे डाल दो। थ्रेट्स में जो कुछ स्पेसिफिक थ्रेट्स हो, जैसे वो फिशिंग वाला मैं बता रहा था, वो मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा ना, तो वहां पे मैं डाल दूंगा कि ये फिशिंग के 3-4 टाइप है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। जो सी का वाटर आ रहा है, ये सी का सॉरी जो सीवेज वाला और वो है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, कोस्टल इरोजन की वजह से हो रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो कि ये सारे पॉइंट्स अपने को आ जाएंगे वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बट द पॉइंट इज एग्जाम्पल डेटा वहां पे रट के जाने पड़ेंगे, मानो नहीं मानो यू हैव टू मगअप दीज थिंग्स। पेपर थ्री में डेटा और फैक्ट्स तो हर कोई डालता है, हर लेकिन जैसे अगर मतलब मुझे तो आउट बेसिकली ऑफ वैल्यू बेसिक, एडिशन। हाँ भाई एक बारी मैं बोलो जो डिस्कस कर बोल रहा लूँ, था अभी। एक बारी मैं डिस्कस कर लूँ, ये इतना हो गया इम्पैक्ट थ्रेट सॉल्यूशन। अब हमने आई थिंक थ्रेट्स का तक तो डिस्कस कर लिया था, सॉल्यूशन में क्या करो। अब जैसे तुम्हें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू हैव ए मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, मान लो कि इसी में सॉल्यूशन के लिए क्या करो, सबसे पहले डालो बायोरॉक इंडिया में। बायोरॉक से क्या हो रहा है, गुजरात की जो कोरल से उनको से एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे गुजरात की जो कोरल से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। फिर इंडिया में अगर तुम्हें कोई और एग्जाम्पल मिले, कोई टेक्निक यूज हो, ठीक है, अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई कोरल्स को बचाने की, वो हो पता, चार तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे स्पेसिफिक। कोरल्स का क्वेश्चन आए तो बायोरॉक तो तुम भले, अगर तुम्हें मान लो सोल्यूशन की जगह ना मिले, इंट्रो वो लिखो, कंक्लूजन लिखो बायोरॉक टेक्नोलॉजी, या कोई मिशन लिख लो गवर्नमेंट का, अगर कोरल्स पे आया गवर्नमेंट का नहीं तो इंटरनेशनल मिशन लिखो, ठीक है, इंटरनेशनल ये कोरल्स ब्रेक थ्रू वाला कुछ था अभी, या कोरल्स प्रोटेक्शन, कुछ ना कुछ होगा, अभी देखो याद नहीं है मेरे को, बट द पॉइंट इज कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें, वो लिखो सोल्यूशन में। फिर जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका देखो कि क्या सोल्यूशन कर रहा है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, तुम्हें ये देखो टाइम नहीं लगेगा, तुम मतलब ये सब सारी चीजें कैसे करनी है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन करनी कैसे है ये मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए मतलब उसके अंदर, ठीक है। एक ग्रेट बैरियर का देख लिया, या एक किसी और का जैसे इंडोनेशिया वगैरह इनका देख लिया, ये लोग क्या कर रहे हैं कोरल्स को बचाने के लिए, देन आओ कि इतना हो गया, अब देखो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है, जैसे पॉलिसी वगैरह कुछ लाई हो या एक्ट्स वगैरह कुछ लाई हो, इधर इंटरनेशनल लेवल पे यूएनएपी ने कुछ किया हो, ठीक है, या इसने कुछ किया हो, आयुषियन ने कुछ किया हो, किया है डेफिनेटली। एंड फाइनल एक क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे कि दे आर दी वो एक है ना कुछ लंग्स, तो आई थिंक रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं इसको अपना कि कोरल्स को, ये जैसे वेटलैंड का है कि दे आर द किडनीज ऑफ द इकोसिस्टम, अगर वेटलैंड में आए तो यू हैव टू पुट दिस वर्ड, अगर रेन फॉरेस्ट का है तो यू हैव टू दिस वर्ड कि दे आर दी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो वाला। इसका भी कोरल्स का भी कुछ एक है, मतलब अभी मेरे को पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा, वैसा एक मतलब कीवर्ड है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा जो सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन है ना, ऑलमोस्ट तुम्हारा इसमें सब में वैल्यू एडिशन आ गया, इसके बियॉन्ड देयर इज नो, कॉलोनियल मैराइन बोलना चाह रहे हो क्या आप? नहीं, कुछ है आई डोंट नो, कुछ है या नहीं भी है तो पता नहीं मेरे को, मतलब पॉइंट इज दैट ना कि अगर वेटलैंड होता तो वो याद रख लो किडनीज ऑफ द वो अपना इकोसिस्टम, और ये अगर आए रेन फॉरेस्ट आए तो लंग्स ऑफ द वो वाला, और एक दो और हैं इनके मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं इनको मतलब बोलते हैं, तो अगर मिल जाए तो वो डाल देना। बट एट द सेम टाइम और मतलब जो भी वैल्यू एडिशन है ना, देखो वैल्यू एडिशन इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल्स, योर डेटा, योर इंटरनेशनल एग्जाम्पल, योर इंडियन एग्जाम्पल, या कोई लेटेस्ट चीज क्या चल रही है, जैसे बायोरॉक यही वैल्यू एडिशन है। तुम जो नोट्स बना रहे हो ना, ऑलरेडी वैल्यू एडिड नोट्स बनाओ, गेटिंग माई पॉइंट, ताकि तुम्हें डबल एफर्ट नहीं डालना पड़े, ये नहीं हो कि यार 40-50 दिन के बाद में यार वैल्यू एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन करे क्या, ये नहीं होना चाहिए। माई पॉइंट इज ना, ये तुम्हें टाइम लग जाएगा 2 घंटे नोट्स बनाने में, ठीक है, 2 नहीं 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन अगर तुम वेटलैंड का नोट्स बनाओगे ना, फिर तो तुम्हें बस ये होगा कि इकोसिस्टम सर्विस सेम होगी वेटलैंड की और मैंग्रोव की, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, अलग क्या डालना पड़ेगा, डेटा और एग्जाम्पल्स इंडिया और वर्ल्ड के।
एक पेज में डाल दो मैंग्रोव्स के डेटा और एग्जांपल, मैप मत डालो, मैप यू नो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे तीन चार नाम याद रख लो, खत्म। मिस्टी वगैरह स्कीम से उनको लास्ट में कंक्लूजन में डालनी है। गेटिंग माई पॉइंट? अब सॉल्यूशन में क्या आ गया, पहले इंडिया क्या कर रहा है, वर्ल्ड क्या कर रहा है, फिर इनिशिएटिव्स क्या है, और कंक्लूजन जैसे क्या कर सकते हो। जैसे वेटलैंड का है, तो वेटलैंड डे आई थिंक इस बार होता है 2 फेब को होता है, ये चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। उसमें उन्होंने वो किया है जो एक होता है ना स्लोगन, कि इस बार, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ उसका कुछ है, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इस बार वेटलैंड डे का कुछ वो था, प्रॉमिस का आई थिंक थीम, हाँ थीम था कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। हाँ ये आई थिंक 24 का है, 23 का अच्छा था कुछ, तो ये निकाल सकते हो। जैसे मैंग्रोव डे अगर है तो मैंग्रोव का निकाल दो। हाँ इसका था वेटलैंड रीस्टोरेशन 23 वाले का, जैसे इनका भी डेज होता है कुछ, कोरल्स का अगर कोई डे है, ये चेक कर लेना। मतलब वैसे डे हो तो तुम्हें क्या होगा, कंक्लूजन यू शुड नो कि मेरे को कंक्लूजन में क्या क्या चीज डालनी है, स्कीम्स डालनी है, डे का कुछ डालना है, लास्ट में मेरा अपना डालना है कि वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड, जो कंसेप्ट है रामसर का, उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट करो। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है इसके बियॉन्ड, वैल्यूएशन हमको कलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है मतलब? वो अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं समझ में आया ना कि क्या करना कैसे है, मतलब क्या चीजें डालनी है। अब हाँ ये सेम चीज तुम किसी में भी चले जाओ, जैसे मान लो कि इलीगल जो सैंड माइनिंग होती है या रिवर माइनिंग होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। सब पहले आओ कि फॉर्मेशन की जगह ये डाल दो कि हो क्यों रही है या फिर कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है, सिंपल चीज है। पूरा इंडिया का पता होना चाहिए कि इंडिया पे कौन कौन सी रिवर में, एटलीस्ट थ्री, मतलब 3 to 4 एग्जाम्पल्स यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पे हो रही है, किस रिवर बेड में हो रही है और किस में। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सेंट्रल इंडिया में रिवर में होने की वजह से कोई फिश की वो है, वेराइटी है, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है, तो ये जो की ऐसे होते हैं ना क्रिटिकल एग्जाम्पल्स, ये आपको मिलते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ये आपको कॉन्स्टेंटली जब आपका माइंड जाएगा ना कि मेरे को यार एग्जाम्पल फाइंड आउट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार क्या हुआ, जब मेंस था तो मैं मेट्रो में ऐसे ही न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़ रहा था कि क्या है, मतलब एक बार ही देख लेते, तो उसमें एक वाटर क्राइसिस का एग्जाम्पल आया था केपटाउन का, अच्छा एग्जाम्पल था। उस एग्जाम्पल को आई थिंक मैंने 3 से 4 जगह यूज किया है, GS1 में भी किया है, GS3 में भी किया है, अलग अलग क्वेश्चन में। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन सेम ही था, तुम उसमें डाल सकते हो कि भाई जो वाटर का यूज है, कहीं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि भाई सस्टेनेबल यूज या फिर नीड बेस्ड नॉट ग्रीड बेस्ड, उसमें डालो कैप्टन को एग्जाम्पल कि अगर तुमने ग्रीड बेस्ड यूज किया तो कैप्टन और बेंगलोर बन जाओगे कल को। तुम्हारा माइंड तुम्हें कैपेबल बनाना है, मेरा पॉइंट ये है इन सब चीजों का डिस्कस करने का, कि ये सारी चीजें तुम्हें कलेक्ट करनी है। अब रिवर वाले का क्वेश्चन है वही सैंड माइनिंग का, उससे इम्पैक्ट क्या बनेगा, मेन इम्पैक्ट है यूपीएससी अगर पूछेगा ना वो इम्पैक्ट पूछेगा, क्योंकि देखो इलीगल माइनिंग हो रही है तो अल्टीमेटली अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे इस बार ऑयल पोल्यूशन का पूछा है, ऑयल पोल्यूशन का मेन क्वेश्चन क्या था, इम्पैक्ट क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इलीगल सैंड माइनिंग पूछेगा तो उसका इम्पैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। इम्पैक्ट में कम से कम तुम 7-8 पॉइंट तो दिखा दोगे, ग्राउंड वाटर टेबल वाला है, ये स्ट्रीम्स का जो क्या बोलते हैं उनको, रिवर बेड का सिस्टम है, इको सिस्टम है, पानी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारा कुछ दिखा दोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये फ्लोरा फोना सब कुछ दिखा दोगे, सोइल की कंडीशन है, लेकिन एग्जाम्पल्स और डेटा यू शुड मतलब प्रिपेयर कि इस रिवर में ये सैंड माइनिंग होने की वजह से उसका जो रिवर बेड है वो कम हो गया हो, मतलब उस टाइप की ये तुम्हें लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस अपना एग्जाम अब वो अपना आंसर अलग बनाना है तो दूसरों से। और एक चीज मैं जो हार्डकोर चीज बताता हूँ, मतलब थोड़ा रियलिटी है, देखो ये सब प्रिपेयर करोगे तो फायदा क्या होगा ना कि तुम्हारा जीएस थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, जीएस में यू कैन स्कोर 440 to 450, अगर इतना तक तुम जा सकते हो ना, देखो पोटेंशियल है, एटलीस्ट 420-30 के बाहर जाओ, अगर इतना चले गए ना तो फिर होगा क्या कि मान लो कि ऑप्शनल में क्या पता थोड़ी दिक्कत हो जाए, 260 भी आ जाए और उसमें भी आ जाए, मान लो 100 नंबर आ जाए ऐसे में, वी डोंट नो, और इंटरव्यू में भी मेरी तरह 154 नंबर आ जाए, तब भी तुम अंदर होगे, मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि दिस इज दी ये जो जीएस वाला पोर्शन है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव वन। ऑप्शनल का तुम नहीं बता सकते हो, जिस दिन ट्रेंड अच्छा होता है, एंथ्रो वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने 70% एंथ्रो पढ़ा है बट दे आर गेटिंग 230 मार्क्स, बट अगर तुम जीएस में काम करोगे ना, अगर तुमने कोरल्स पे ये क्वेश्चन आया और इतना लिखा है तो वो डेफिनेटली मार्क्स देगा, ये तुम लेके चलो। ऑप्शनल का वी आर नॉट श्योर, 260-270 लेके चलो रियलिटी में, क्योंकि पिछले साल से मैंने इस बार ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था बट आई गॉट 258 मार्क्स, ठीक है, जीएस में प्रिपेयर किया था बट ठीक है, मतलब
वही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट विल ट्राई कि 440 और 450 तक जाए। एंड ऐसे का भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 130 आ जाएगा, बट 92 आया। तो अगर इतने सारे शॉकिंग न्यूज तुम्हें मिले भी तब भी तुम अंदर हो, उसके लिए तुम्हें जीएस को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट है। अगर ऐसे में मान लो कि उसका इंटरप्रिटेशन उसने सही कर लिया और तुम्हें 120 नंबर दे दिए, वो तो सोने पे सुहागा है। फिर तो तुम और अच्छा टॉप 50 में आ जाओगे या टॉप 100 में आ जाओगे, या इंटरव्यू में तुम्हें लक चले। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर नसीब। अगर नसीब अच्छा हुआ 190 दे दिए तो टॉप 20 में आ जाओगे, क्या पता। ठीक है, यही हो रहा है। टॉपर्स का कॉपी देखो, मैंने इस बार बहुत टॉपर्स मतलब वो देखा है कि लोगों के 400 मार्क्स है जीएस में, बट इंटरव्यू में 200 अंदर है भाई पूरे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये काम करो, ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट हो तो बताओ। किसी का कुछ डाउट? और बाकी ये चीज है कि ये चीज मैं डिस्कस करूंगा कि GS1 का और स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करना है, GS2 में क्या करना है, बिकॉज GS2 इज स्कोरिंग। पीपल आर गेटिंग अराउंड 135 मार्क्स। सोचो 130 प्लस लोग मार्क्स लेके आ रहे हैं GS2 में। लोग ही तो हैं, वही तो लोग हैं, एस्पिरेंट है, वेलक थोड़ा है। एंड वी नो कि कैसे करना है। GS4 में दे आर गेटिंग अराउंड मतलब 140 130 मार्क्स। थिंक अबाउट इट। तो वहां पे काम करना है। करना कैसे है? एक बारी अभी YouTube पे जाना अपने वाले चैनल पे, GS2 और 4 का तो मैंने डाल रखा है। क्यों डाला था? इन दोनों का ही डाला मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ GS2 और GS4 में, इसलिए वो वीडियोस डाले थे। एक बारी देख लो कि प्रिपेयर कैसे करना है, और वो मेंस के जस्ट बाद डाले, तो फ्रेश माइंड उसी मेंस वाले माइंड सेट से बताया हुआ मैंने। ठीक है, मेंटरशिप लेना पड़ेगा क्या सर मेंस के लिए? देखो ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि अल्टीमेट ये है ना कि तुमने पीटी के टाइम में एक चीज एक्सपीरियंस की होगी ना, कि तुम्हारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा मेंटल वो सेटअप सही है ना कि मेरे को क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन हार्ड वर्किंग कंटेंट बिल्डअप करने से। तुम 20 पेपर लिख लो इस बार, आंसर राइटिंग हार्डली मैंने 10 टेस्ट लिखे होंगे जीएस और उन सब के मिला के, ऑप्शनल के लिखे हैं। ऑल्दो जीएस के GS2 और 4 के दो दो टेस्ट लिखे और GS1 के एक एक टेस्ट, तो आई थिंक 6 7 टेस्ट लिखे, बट स्टिल जीएस में ठीक मार्क्स है। मतलब आई वुड नॉट से कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स है, बट 400 प्लस है तो ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि इट्स नॉट अबाउट आंसर राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट। जिस हिसाब से तुमने कंटेंट प्रिपेयर किया, जैसा यूपीएससी को चाहिए, तो फिर तुम खेल गए। फिर वही पॉइंट है, GS4 का वीडियो नहीं है सर यूट्यूब पे, सिर्फ GS2 का है। GS4 का आई थिंक डाला है, नहीं भी डाला है तो मैं डाल दूंगा, मतलब GS4 का इनपुट। ठीक है, करना कैसे, और यही सारे स्कोरिंग है। अगर तुम्हें निकालना है तो, नहीं निकालना है तो फिर कोई इशू नहीं। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जी जी बताइए। सर जैसे कि मेरा एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने जब मेंस दिया था तो सर मेरे जीएस में तो फिर भी मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक से थोड़े कम ही थे। लेकिन बट ऑप्शनल में मेरा बहुत ही गंदा गया, जिसकी वजह से मेरे 640 आए। तो मतलब मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, तो ऑप्शनल में आई थिंक मेरा 210 टोटल बन रहा है, जो बहुत ही गंदा है। 250 तो मिनिमम आना चाहिए। तो सर अब मेरा नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके एंथ्रो में अच्छा है, सर आप रिकमेंड कर सकते हो सर उसको कि मैं उससे उनसे बात कर लूँ। बस 10 मिनट बात करनी है सर। आई जस्ट वांट टू नो कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ ऑप्शन और में। एक बार डीएम पे वो मैसेज डाल देना, क्योंकि इन केस अगर मैं भूल जाऊँ तो अभी डाल हाँ देना, अभी थोड़ी देर बाद में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके इस बार मतलब उसने ऑप्शन चेंज किया है, तो ही गॉट मतलब उसके मार्क्स तो मतलब ठीक है, 142 है, अरे सॉरी 242 है, मतलब उसका यस फर्स्ट नहीं था एंथ्रो में। एक बार ही तो वो गाइड कर देगा, बट अदरवाइज ऑल्सो मतलब लोग हैं तो मैं आपको वो करवा दूंगा बात। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। किसी का कुछ डाउट है? और किसी सर मैंने मेरे मराठी मीडियम है, मीडियम मैटर करता है? नहीं मैटर करता भाई, बिल्कुल नहीं मैटर करता है। तुम अपने चीज़ में स्ट्रांग हो ना, बस दैट्स इट। देखो अगर मीडियम मैटर करता है और इंग्लिश मैटर करती ना, तो मारवाड़ी कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं पाते, ये चीज़ ध्यान रखो। क्योंकि लिटरली अब मेरा भी इंग्लिश में बहुत हद तंग है, सच में बता रहा हूँ मैं, सीरियसली। मतलब वैसे नहीं है कि भाई वो नहीं आता है, ऑल्दो इंग्लिश में दिए मैंने इंटरव्यू दोनों, बट द पॉइंट इज कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। तो वो कोई वो नहीं करता है। और तुम एक चीज देखना ना, इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज। तुम किसी बंदे से मिलते हो, मान लो वो भले इंग्लिश बोल रहा हो भले हिंदी बोल रहा हो, तुम खुद अपने में नोटिस करो ना, कभी तुमने उसका नोटिस किया है कि वो हिंदी बोलता है इंग्लिश बोलता है? बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले बिल्कुल रद्दी लोग हैं,
और बहुत सारे वैसे लोग हैं हिंदी बोलने वाले बहुत तगड़े हैं, तुम 2 मिनट में उस बंदे से कनेक्ट कर पाओगे कि यार कितना अच्छा बंदा है या कितना अच्छी बंदी है। इंग्लिश वाले बहुत वैसे हैं, बट मैं उसमें वो मेरे को थोड़ा वो है कि इंग्लिश मतलब वैसे, बट छोड़ो उसको, बट द पॉइंट इज ना कि मीडियम डजेंट मैटर। हिंदी वाले लोगों के 200 200 आ रहे हैं इंटरव्यू में, इंग्लिश वालों के 120 आ रहे हैं। ये सब कुछ वो है, स्टेरियोटाइप्स हैं। लैंग्वेज डजेंट मैटर, रियली डजेंट मैटर हाउ मच क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड इन प्रीलिम्स एंड हाउ मच इज गेटिंग राइट। मैंने अराउंड किए 98 एंड उसमें 62 3 सही हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर की से। तो अब देखो कि क्या बने। और सी सेट में तो किया है मैंने अराउंड 63 अटेम्प्ट, तो उसमें 52 या 53 लगभग सही हो रहे हैं, तो अराउंड लगभग 48 या 47 लगभग चले जाएंगे सही, तो उसमें कंफर्टेबल है। लेट्स सी कि जीएस में क्या होता है। ठीक है, बाकी कुछ और डाउट आपका किसी से भी रिलेटेड यू कैन आस्क। और आई थिंक पीटी का हाँ एक दो सेशन और ले लेंगे इस पे, मेंस पे ही, उसके बाद में अपना बैच फिर वही है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ खत्म होने वाला है। बाकी किसी का कुछ डाउट? सर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का क्या क्या फीचर रहेगा सर? वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं मतलब उसी जोन में सोच रहा हूँ कि GS2 और 4 पे काम करें या फिर चारों सब्जेक्ट का साथ में लेके चलें कि क्या जैसे करना है क्या पिछले नहीं साल करना तो है। आपने केवल PYQ करवाया था सर, तो इस साल क्या करवाओगे सर आप? मतलब ये है ना कि इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो PYQs का ऐसा है ना कि PYQs रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ और चीजें भी हैं जो भी तुम्हें साथ साथ करनी पड़ेगी। तो वी आर थिंकिंग कि कुछ ऐसा सेटअप हो जिसमें जैसे 2 3 साल के PYQ डिस्कशन हो जाए, जैसे 22 21 या 23 के, इन 3ों सालों के PYQ डिस्कशन हो जाए, साथ साथ में तुम्हें हर सब्जेक्ट का हर सिलेबस का वो पता चल जाए। जैसे हमने कोरल डिस्कस किया ना, हाँ वैसे ऑलमोस्ट एक आइडिया लग जाए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, कंटेंट मतलब हिस्ट्री का कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, वैसे वाला वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर डाउट्स वाला तो चलता रहेगा, तो वो अभी मतलब उस पर और सोच रहे सर हैं कि स्पेशल फोकस GS2 और 4 पे करिएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपका उस पर अच्छा पकड़ है, नंबर भी नहीं, अच्छा आया इस साल तो। हम लोग इसीलिए उस पे मतलब कल मैं यही सोच रहा था कि चारों इंक्लूड करें या GS2 और 4 करें, क्योंकि GS2 और 4 में ऐसा है ना कि लिटरली मतलब इट्स नॉट अबाउट माई मार्क्स, मतलब मैं अपने मार्क्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ओके बट स्टिल ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हें मतलब लिटरली 250+ दे सकते हैं मार्क्स, और दे रहे हैं लोगों को। तुम बिल्कुल टॉपर्स सर। की कॉपी उठा के देखो ना, दे आर गेटिंग 85 90 इन GS1 और GS3, बट दे आर गेटिंग 130 30 इन GS2 एंड 4। तो वी ऑल्सो हैव टू गेट मतलब दैट दैट रेंज ऑफ मार्क्स, एंड उसके लिए तो वही है कि मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ दोनों मेंस में, क्योंकि लास्ट वाले मेंस में आई गॉट 91 इन GS2 और 87 इन GS4, बट इस बार अराउंड 120+ ही है। तो वैसा है ना कि एक मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि GS2 एंड GS4 का करना कैसे, तो सर तो नोट्स भी वो प्रोवाइड करोगे या फिर कम गाइड करोगे सर? नोट्स का नहीं, देखो नोट्स का एक्चुअली क्या है ना कि मतलब मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा है कि अब मैं नोट्स बना सकता हूँ अच्छे से, बता सकता हूँ कि तुम्हें करना कैसे है, लेकिन वो एक मतलब वैसा होगा ना कि मेंस तो मैं भी दे रहा हूँ, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड आई डोंट वॉन्ट कि यार कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि पीटी में भी, पीटी में चलो इतना नहीं हुआ, लास्ट ईयर मेंस में भी, क्योंकि मॉडल आंसर का मैंने डिस्कस किया था, बट पॉइंट वॉज दैट ना कि मॉडल आंसर प्रिपेयर करने में इट टेक्स टाइम, ऐसे बिल्कुल तुम कोचिंग की तरह प्रिपेयर करके कहीं से कॉपी करके उठा के दे दोगे फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये है ना कि जैसे कोरल वाला है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मतलब टॉपिक्स है, तो उसमें वी कैन डिस्कस एंड वी विल डिस्कस कि तुम्हें क्या करना है करना। देखो अल्टीमेटली तुम बिलीव नहीं करोगे, जिस हिसाब से तुम नोट्स बनाओगे ना वैसा ही तुम आंसर लिखोगे मेंस बिल्कुल में, सर। हाँ ये ध्यान रखो। तो मेरे हिसाब से है ना कि जैसे प्री में हमने क्या मतलब आई थिंक इतना वो तुमने सुना होगा ये चीजें कि तुम खुद से PYQ एनालिसिस करो, इस बार मैंने PYQ डाले भी नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि अगर तुमने जैसे तुम खुद एनालिसिस करो, अब जैसे मान लो ये कॉन्गो बेसिन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक अगर तुम खुद से कॉन्गो बेसिन पे प्रिपेयर करते तो प्रोबेबिलिटी है कि तुम पीटलैंड पे चले जाते, ठीक है, अगर तुमने कोचिंग का किसी का पढ़ लिया, हाँ कॉन्गो बेसिन इतने इतने कंट्रीज में है, ये रिवर्स है, चलो भाई खत्म का। इसमें भी सेम है, जैसे अब जैसे कोरल रीफ वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, या मैंग्रोव वाला, वेटलैंड वाला, या कोई मान लो GS2 में मान लो इलेक्शन का है, इलेक्शन में क्या पूछ सकता है, RFA पूछ सकता है, 51 वाला, वो 50 51 वाला, हम्म।
डेफिनेटली वो पूछेगा, हाँ उसमें ऐसे भी भी तीन चार इम्पोर्टेंट चीजें थीम भी है पूछेगा। सर, हर अल्टरनेट ईयर में हर साल पूछता है पूछेगा, पूछता है। हाँ जी उसमें डेफिनेटली वो क्या पूछेगा, या तो करप्ट प्रैक्टिसेस पूछेगा, या इलेक्ट्रल ऑफेंसेस पूछेगा, या डिस्क्वालिफिकेशन पूछेगा, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, उसमें तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पता होने चाहिए तीनों केस में, सीपी में, इलेक्ट्रल ऑफेंसेस में, कंडक्ट्स में, और उसमें वही मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन। अपना इस बार जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था अपना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, ये तो हो गया जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है इलेक्शन का। उसके बाद में जैसे एमसीसी हो गया वो पूछेंगे, या ये फंडिंग हो गई इलीगल फंडिंग वाली, इलीगल नहीं सॉरी, ये जो फंडिंग वाला मैटर चल रहा है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला है, ट्रांसपेरेंसी है, वो पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, या फिर क्या जाएंगे ईसीआई पे जाएंगे, अभी जो बिल आया है ना वो, हाँ कि वो बिल कैसे चेंज कर सकता है, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस नेचर में, या इलेक्शन एक इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, या पूछेंगे वीवीपीएटी और ईएम का, ईवीएम या का। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब ये जब तुम्हें पता है कि इतना पूछेगा, और डेफिनेटली वो पूछेगा, एक से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 3 घंटे बैठ के उसको ऐसा बनाओ ना कि वो आंसर तुम्हारा, पूरे कंट्री का तुम्हारा आंसर सबसे बेस्ट आंसर हो। मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि उस टाइप से बनाओ कि योर आंसर शुड बी लाइक कि सबसे ऑब्जेक्टिव हो, सबसे रैशनल मतलब वो हो आंसर हो, तुम्हें अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन करना है। सर बेसिक्स नोट्स तो मान है मेरे पास, पर वैल्यू एडिशन वाला पार्ट लैक करता है सर, जब तो सर बेसिक वो नोट कहाँ भी से बनाए हैं पूछूँ। हाँ ना, तो जी अब सर, जैसे मैंने कोरल वाला डिस्कस किया एक पॉइंट, वैसे अगर नोट्स है तो देखो, वैल्यू एडिशन इज एवरीथिंग अबाउट यही डेटा, एग्जाम्पल्स, इंटरनेशनल हाँ। एग्जाम्पल, उसके बियॉन्ड कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, मैप हो गया, तो तुम ऑलरेडी जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें ही वैल्यू ऐड कर रहे हो। एंड एक पैरामीटर बना दो कि मुझे हर, जैसे इसका हो गया मान लो, ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी का हो गया, तो पॉलिटी में क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एटलीस्ट 4 से 5 जजमेंट तुम्हें रटने हैं, एंड यू हैव टू मगअप, समझ लो कि क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का है, अगर तुम मान लो क्वेश्चन आ जाए और तुम पुट्टास्वामी जजमेंट या फिर ये सबरीमाला वाला जजमेंट की एग्जैक्ट डिटो लाइंस डालोगे ना वहां पे इंट्रो में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, दो डेफिनेशन डालो भाई, वो तुम्हें 7 से 8 मार्क्स देगा 10 वाले क्वेश्चन में, विथ जजमेंट्स की कौन कौन से जजमेंट्स आए, एंड लास्ट में या अम्बेडकर की डेफिनेशन से कंक्लूड कर लो, या अम्बेडकर के पर्सपेक्टिव से कंक्लूड कर लो, या एक कुछ बंदा है पता नहीं पॉलिटिकल थिंकर है, ग्रेटो है ऐसा कुछ करके नाम है, उसके पर्सपेक्टिव से कंक्लूड कर लो, वो तुम्हें 7 से 8 मार्क्स देगा, क्यों नहीं देगा, तो ये ओके पॉइंट है। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, इसका अपन डिस्कस करेंगे आराम से, बाकी कुछ आपका डाउट हो तो यू कैन आस्क। चलो देन, आप ग्रुप पे बता देना अगर कुछ डाउट हो तो, एक बार मैं जो चैट सेक्शन में डाला है वो ले लेता हूँ। मेंस मेंटरशिप रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी क्या? हाँ, वो मिलती जाएगी, वो तो देखते हैं अभी आगे जैसा भी बनेगा। इस बार पेपर बहुत फैक्चुअल आया था ना? हाँ फैक्चुअल था, बट फिर भी इजी था, मतलब ऐसा नहीं था सर, हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ करिए। अब हिंदी मीडियम का स्पेसिफिकली सेपरेटली कुछ ऐसा है नहीं, बट आई कैन गाइड यू मतलब कि प्रिपेयर कैसे करना है, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 80% ऑफ योर टाइम मतलब तुम ऐसा है ना, जैसे मान लो तुमने जनरली, तुमने अभी तक बनाए होंगे ना, कोरल का ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कोरल के नोट्स बनाए होंगे ना, तुम्हारे नोट्स में ये सब चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों की नहीं होगी, बस उसी को करना है इस बार, लेवल पार सर। चलो सही है, गुड लक। ठीक है, बाकी कुछ और डाउट हो, कभी भी डाउट हो, किसी भी टाइम डाउट हो, आई थिंक मैंने अपना वो जो टेलीग्राम वाला आईडी है वो भी ग्रुप में डाल रखा है, टेक्स्ट कर देना जब भी मैं फ्री होऊंगा, या कॉल पे डिस्कस कर लेंगे या फिर टेक्स्ट पे डिस्कस कर लेंगे, बट ऑल आई वॉन्ट इज कि प्लीज स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, अगर तुम 80-85 उस वाली जोन में हो तो। ठीक है, बाकी जो भी, आई थिंक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, जितना भी किया है, अगर तुमने जेन्युइनली और वैसे अगर यूज़ किया है, तो आई होप कि तुम्हें वो चीज़ें कंफर्टेबल लगी होगी एग्जाम में, लास्ट ईयर के मतलब कंपेरिजन में तुम अगर इस ईयर का देखोगे तो मतलब यू आर मोर कंफर्टेबल इन एग्जाम हॉल, कि क्या क्या बन रहा है, चलो सम नहीं आया है इस बार, अगली बार आ जाएगा, बट इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बन सकते थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे यार, इट्स नॉट अबाउट कि पेपर इजी था, बट अगर तुम लगाते, ये कृष्ण देव राय हो गए, कॉन्गो बेसिन हो गया, 4 में 2 हो गया, 3 में भी 2 है काफी काफी क्वेश्चन में, 0 भी है, क्योंकि देखो 3 में 2 अपन डिस्कस यही कर रहे थे ना, कि 3 में 2 जहां लगाओ वहां पर तुम्हें श्योर नहीं, बाकी 3 में 0 भी दिया है,
तो वो उनका अपना वो नेचर है, बाकी क्वेश्चन इजी भी थे। होपफुली कि आपको जो भी अपने ये प्री का मेंटरशिप बैच में जितना भी काम किया है, होपफुली आपको वो चीज़ें हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लगी होगी अगर आपने काम किया है तो। बाकी अगर मेरी भी कभी भी हेल्प चाहिए कुछ भी हो तो आप डीएम सेक्शन में डाल देना कि क्या कुछ हो या सोर्स का हो, वैसे मैं डिस्कस कर लूंगा कि क्या सोर्स करना है, क्या कंटेंट कैसे बिल्डअप करना है, एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया हुआ है कि मेंस इज प्रेडिक्टेबल एंड मेंस को बना सकते हो प्रेडिक्टेबल, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ डाउट हो तो ग्रुप पे डाल देना या फिर पर्सनल उसमें डीएम में डाल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, गुड लक।